हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर टू के लिए टेस्ट बुक के ऊपर जो एसएससी सीजीएल टीयर टू सफलता करके जो मेगा लाइव टेस्ट हो रहा है उसे आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप ये मौक देना चाहते हैं, अगर आपका मेंस निकल हो सकता है कि एग्ज़ाम दे सकें, तो आप जाके इसको ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन जो हम मैंने देखा है ओलिव वर्ड के ऊपर, मैंने इस सब का प्रैक्टिस किया है, ओलिव वर्ड के ऊपर मैंने दिया। उसके बाद मैंने जो टेस्ट बुक का दिया वो मैंने देखा। इसके अलावा द पंडित का भी मैंने दिया, और एक हमारा कौन था यहाँ आरबीई रेवोल्यूशन वाले जो है आरबीई करके जो है मैंने उसका भी दिया। अगर इन सभी के हिसाब से मैं बात करूँ जो कि अगर माना जाए कि कौन प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, तो दो मुझे ऐसे ज़्यादा लगे हैं। एक तो मुझे टेस्ट बुक का ज़्यादा लगता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और एक आरबी रेवोल्यूशन के जो होते हैं ये भी होते हैं। लेकिन आरबी रेवोल्यूशन का जो प्रीवियस ईयर तो के हिसाब से तो होता है, बट क्वेश्चन इसके मॉडरेट से टफ की ओर होते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट बुक का होता है वो लगभग ईजी टू मॉडरेट की तरफ होता है, ये हार्ड का नहीं बना कर रखा जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा जो लोग अच्छे स्कोर कर पाते हैं टेस्ट बुक में। अब मैंने ओलिव बोर्ड द पंडित के बारे में, तो इसका लगभग मुझे लगता है कि 60-70% जो ऐसा है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड, या उससे कम ही लगता है, 60-50% तक मान के चलता हूँ कि दोनों में प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। लेकिन टेस्ट बुक और आरबी में लगभग देखा जाए तो 80-90% लगभग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी के सभी आप मौक देना चाहते हैं, अपना प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, तो आप सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये सभी अच्छे मौके सभी हैं, तो आप सभी का मौक दे सकते हैं। ये आपको ओलिव बोर्ड पर भी लाइव टेस्ट चलता है, वो फ्री को मिलता है, टेस्ट बुक का भी फ्री मिलता है, तो पंडित का भी फ्री में, और आरबी का भी शायद सैटरडे को फ्री में मिलता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा जाके, तो ठीक है। तो चलिए इतना हो गया हमारा भाषण, अब हम रेडी करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि अब मेगा लाइव टेस्ट है। सबसे पहले लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेते हैं और रेडी करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग ही बनाने वाले हैं, उसके बाद ही कुछ जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा इसमें से वन ऑड कौन है, ठीक है। तो 6 साइड है 4 साइड है 5 साइड है 3 साइड, ये गड़बड़ है क्योंकि लग रहा 3 बिंदु सही है। पेडिट्रिशियन चिल्ड्रेन है, न्यूरोलॉजी आ जाएगा, ब्रेन न्यूरॉन है तो ब्रेन आएगा, ठीक है। आगे चलें, बढ़ो भाई आगे बढ़ो। बोलता है 6 सेलर्स है, GHK इतना है। इस क्वेश्चन को हिंदी में कर लेते हैं। 6 विक्रेता GHJKCM एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के और सम्मुख बैठे, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना, तो 6 लोग का हम बना लेते हैं फिगर। उसके बाद कह रहा है कि M C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कौन C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और HG के निकटतम दाएं स्थान पर है, K J के दूसरे स्थान पर, CK के निकटतम बाएं बैठा, C जो है K के निकटतम बाएं, C कहाँ बैठा, K के निकटतम बाएं है, और KJ के दाएं से दूसरे स्थान पर, K कहाँ है, तो J के दाएं से दूसरे स्थान पर, J यहाँ बैठेगा तभी उसका दूसरे दाएं होगा। और कह रहा है HG के निकटतम दाएं बैठा, H कहाँ बैठा हुआ है, G के निकटतम दाएं, तो G यहाँ होगा तो H यहाँ बैठेगा, हो गया पूरा सीरियल। निम्नलिखित में कौन सा विक्रेता J और J के बीच में प्रोसीनिधित्व करते, H और M आएगा और K और C आएगा, HM KC, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है, नहीं बेरी तो विटामिन से कमी होता है, पहला तो गलत है, विटामिन की कमी से रोग होते हैं, ये बात सही है, तो जो है ना बेरी गलत है, तो ए असत्य है, लेकिन आर तो सत्य, विटामिन की कमी से भी रोग होते हैं, हाँ तो रोग होते हैं लेकिन हर रोग नहीं होता है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इसमें क्या कह रहा है। विटामिन डिफिशेंसी कोज डिजीज, ये बात सही है, लेकिन बेरी वायरल इन्फेक्शन नहीं, ये बात गलत है। सम मैन एथलीट्स लिख देते हैं, एंड नो एथलेट सिंगर, कोई एथलीट सिंगर नहीं है, एंड ऑल सिंगर्स आर डांसर, जितने भी और सिंगर है वो सभी का डांसर हैं, ठीक है। कहता है कि नो डांसर इज एथलीट, कोई भी डांसर एथलीट नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। सम सिंगर आर मैन के हो सकता है, ये भी गलत कह सकते हैं। सम मैन क्या डांसर है, ये भी बात गलत हो सकता है ना, कि हाँ ठीक है। तो इसमें से मुझे लगता है नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो करेगा। आगे चलो, एडमिट को अगर ऐसा लिखा, ए का मान होता है 1, डी का मान होता है 4, एम का मान होता है 13, आई का मान होता है 9 और टी का मान होता है 20। जी का मान की बात करें तो जी का मान होता है 7, डी का मान होता है 4, आई का मान होता है 9, डब्ल्यू का मान होता है 23 एंड एल का मान होता है 12, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस का 11 या 7 6 13 सेम रखा, नहीं 7 1 8 किया होगा, सेम रखा नहीं, प्लस का कितना, प्लस का 6 0, माइनस का 4, प्लस का 14 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो चेस्ट को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम ये देखें
12 है 13, यानी माइनस का 11 हो रहा होगा। ठीक है, 4 से 23 में आते हैं तो कितना को माइनस होगा, कैसे माइनस हुआ, 13 से माइनस का 4 यहाँ हो गया, प्लस का यहाँ 9 से माइनस का 5 हो गया, 20 से 7 माइनस का 13 हो गया। ऐसा भी कोई रिलेशन तो नहीं बना ना। अब क्या रिलेशन लगा लें, 1 प्लस का 3, 9 3 12, अच्छा वो रिलेशन हो गया, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया क्या बना रिलेशन, ऐसा बना रिलेशन। तो उसी तरह जी सी का मान होता 3, एच का मान होता 8, ई का मान होता 5, एस का मान होता 19, टी का मान होता 20, 20 और 23 ये हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा, 19 तीन 22 हो जाएगा, तो यानी 22 बोले तो भी लास्ट में भी आएगा, और यहाँ पर डब्ल्यू और भी लास्ट में होगा, डब्ल्यू और भी तो हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है, डब्ल्यू भी होगा, और यहाँ 5 है तो 4 जोड़ेंगे 9, 9 मतलब आई, आई डब्ल्यू भी कहीं ऑप्शन में है क्या, और रुक जाओ, ये 13 हो गया यहाँ पर 13, और आई का मान कितना होता है, 9 ही तो होता है, तो 9 4 13, 13 में से माइनस का 4 होगा ना, माइनस का 4 हुआ है, तो माइनस का 4 यानी कि ए, तो यहाँ पे ए डब्ल्यू भी आएगा बीच में, ए डब्ल्यू भी एक ही ऑप्शन आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, आगे चले। 129 32 109 27 बताओ क्या होगा। 3 2 5 है, तो 32 को अगर हम कितना गुना करते हैं, 6 गुना, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 32 को गुना करते हैं 5, देखो तो 5 से 15 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 एक 16, हाँ नहीं होगा, 32 को 4 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, प्लस का 1 हो गया, 27 चौक कितना होता है, 68 होता है, 7 चौक 28, 108, अच्छा प्लस का 1 गुना है, तो 289 की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा संख्या जो कि 288 ला दे, तो 96 × 4 नहीं होगा, 54 × 4 होगा नहीं, 72 × 4 हो सकता है, 4 × 8 728, यानी कि आंसर 72 है। फिर ये बोला कि ये फिगर बताओ कहाँ होगा, तो इस फिगर को हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं एक बार कैसे बनाना है, इस जैसे एस यहाँ था, एस उठ के थर्ड पे आ गया, तो वही चीज़ अब यहाँ देखना है, को अब जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल उठ के बीच में आएगा, तीन ऑप्शन में होता है, ठीक है, पी यहाँ उठ के कहाँ गया, पी यहाँ से गैप हो गया, तो F अगला में से गैप हो जाएगा, F भी अगला में से गैप हो जाएगा, F भी अगला में से गैप हो जाएगा, दो ऑप्शन में गैप हो गया, इन 3 और 4 आंसर हो सकता है। इस बिंदु की बात करते हैं, ये बिंदु उठ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो ये बिंदु उठ के कहाँ चला जाएगा, ये बिंदु उठ के फिर यहीं आ जाएगा, तो बिंदु वहीं पर आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला आंसर सही। W की बात करते हैं, W 27 होता है, U का मान 21 होता है, S का मान 19 होता है, तो अगला में क्या आएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 17, 17 बोले तो Q, ठीक है आंसर तो Q आ रहा है। अगला चलते हैं F के बाद C, यानी F का मान होता है 6, इसका मान होता है C का 3, यानी माइनस का 3, Z का 26 होता है, उसमें से 3 घटाएंगे 23, 23 बोले तो W आएगा, ठीक है। B की बात करते हैं, B का मान होता है तुम्हारा 2 या 22, 2 होता है, 26 2 28 कह लो उसको सिंपल सा, और W का मान होता है 23, यानी कि माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है, माइनस का 5 करना है, R का होता है 18, 18 में से 5 13 आ जाएगा, यानी कि M आ जाएगा, तो क्यू डब्ल्यू एम कहीं ऑप्शन में क्या, क्यू डब्ल्यू एम, ठीक है आंसर हो गया। आगे चलो, फिर बोला है फिगर कंप्लीट करो, तो कोई भी पार्ट को उठा लो ना जो कि सेम दिख रहा हो, दो पार्ट उठा लो, जैसे ये फिगर को उठा लेते हैं, ये फिगर को हम यहाँ से उठाते हैं दो बार में, ये फिगर जो है ना इसी फिगर को उठा लेते हैं यहाँ से, इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, ऐसा कौन सा फिगर जो इसी तरह देखने को मिल रहा है, देखो तो कितने पार्ट में हो सकते हैं, एक सर्किल बनेगा, एक साइड और ऐसे, एक साइड पूरा आएगा, एक साइड मिलेगा, एक साइड और ये मिलेगा, एक साइड ये हो सकता है, लेकिन उसमें कितना 4 पार्ट बन रहा है, देखो तो एक क्वार्टर गैप हो रहा है ना, 4 आ सकता है ना, 4 तो आ सकते हैं, इसमें कितने बन सकता है, 4 थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, अगर ऐसे करके ऐसे बन गया, ऐसे आ गया, इधर गया, 2 आ रहा है ना, तो ये आंसर लास्ट का हो जाएगा शायद, देख लेंगे उसको लास्ट में। इन अ रो फेसिंग ऑल स्टूडेंट नॉर्थ की तरफ से देख रहे हैं, अनिकेत इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, अनिकेत 12th है लेफ्ट से, जबकि कैवलिन इज 18th फ्रॉम द राइट, कैवलिन 18वां नंबर पर है, या अगर अपने पोजिशन को चेंज करते हैं तो कैवलिन बिकम 14th फ्रॉम द राइट, अगर ये अपना पोजीशन को चेंज करता है तो ये 14 बन जाता है अपने इधर से, कैवलिन बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट इफ दियर पोजीशन आर स्वाइप्ड, कैवलिन बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट, यानी ओवरलैप हो, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है, ये मतलब ये ओवरलैप हो रहा है, अगर ये 12 है और इधर से जब 18 है, यहाँ पे कितना 18 है, तो ये आगे एक और चला गया ना 4, तो ये 14 हो गया यहाँ पर,
तो 14 हो गया, यानी कि 14 इधर हो गया। इससे पहले कितना था ये, और यहाँ से पूरा ये 12, टोटल यहाँ 12 था, ये 12 हो गया। तो 12 और 14 जोड़ देते हैं, 4 दो 6, 22 में से 2 चला जाएगा, 22 में से 2 24 आना चाहिए था, नहीं। तो क्या बन रहा है यहाँ पर यार, बोल रहा है कि अपना पोजीशन को चेंज किया दोनों ना, पोजीशन को चेंज किया भाई, पोजीशन जैसे ये 18 था, ये इधर आके अब इधर से 14 नंबर पे आ गया ये, तो इधर से अगर 14 नंबर पे आ गया ना, अच्छा इसे 14 और 14 है और इधर से 11 हो गया, तो 25 बच्चा इसमें है टोटल। चलो, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्किल एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, हु इज अपोजिट टू मुन्नू। ठीक है, कितने लोग हैं, 6 दोस्त है ना। चलो 6 दोस्त को बना लेते हैं फिगर। चिंटू इज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ मुन्नू, मुन्नू के चिंटू इज 3 प्लेस टू, इसको हिंदी में कर लो, चिंटू मुन्नू के दाईं ओर से तीसरा, चिंटू मुन्नू के दाईं ओर से, मुन्नू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, चिंटू। ठीक है, चिंटू तो बोल रहा है मुन्नू के विपरीत कौन बैठा है, मुन्नू के विपरीत, मुन्नू के विपरीत कौन बैठा है, तो पता चल गया पहला से, हाँ पिंकू, बोल रहा पिंकू जिसके निकटतम दाएं हैं, पिंकू जिसके निकटतम पड़ोसी मिंटू और चुन्नू हैं, जिसके निकटतम पड़ोसी मिंटू और चुन्नू हैं, ठीक है, या चुन्नू और मिंटू है, कोई दिक्कत नहीं। मुन्नू के बाईं ओर दो कंडीशन बना लेते हैं फिर से हम, इसमें भी दो कंडीशन बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पी ये हो गया, मुन्नू यहाँ तो चिट्टू यहाँ मिंटू, तो बोल मुन्नू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मुन्नू के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है कौन, पिंकू जिसके निकटतम पड़ोसी मिंटू और चुन्नू हैं, मुन्नू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, मुन्नू के दाईं दूसरे स्थान पर ये है, ये ला नहीं होगा, या मुन्नू के बाईं ओर से, ये बाईं ओर से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके पीछे कौन हो रहा पता चल रहा है, किसके, चिंटू के या मुन्नू के पीछे कौन है पता नहीं चल रहा है, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट सही है, केवल कथन एक पर्याप्त है जबकि केवल दो में दिखे या पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विकल्प का चुनना है जो सार्थक रूप से बने हैं। हृदय श्रोणी का मतलब हार्ट पेल्विस कॉर्निया किडनी पिन्ना, अगर हमको सबसे पहले क्या होगा, पहले हमारे पास कॉर्निया नहीं, पहले पिन्ना आएगा, पहले पिन्ना देंगे, अगर तीन तीन यहाँ दे रहा है, तीन का मतलब कॉर्निया, अच्छा आँख से शुरू किया, आँख आएगा फिर कान आएगा, आँख के बाद कान आएगा और पेल्विस से दम लास्ट में जाएगा, और हार्ट और हार्ट और किडनी, हार्ट पहले आएगा फिर किडनी आएगा, 35 142 हो जाएगा। चलो फिर यह स्टार की बात करें, स्टार उठ के यहाँ, रुपीज उठ के यहाँ आएगा, ठीक है, एंड का मतलब एंड उठ के कहाँ गया, एंड उठ के यहाँ पर इधर गया, हैशटैग उठ के पहला पाएगा, ठीक है, तीन ऑप्शन में कोई आंसर होगा। उसके बाद ये डॉलर का साइन कहाँ गया, इस डॉलर का साइन यहाँ से गैप हो गया, तो कॉपीराइट का साइन भी यहाँ से गैप हो जाएगा, कॉपीराइट का भी आंसर गैप हो जाएगा, तो कॉपीराइट का भी साइन गैप हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हैशटैग ही देखो, हैशटैग यहाँ पर, हैशटैग यहाँ पर डॉलर बीच में आ जाएगा, वो ये हैशटैग कहाँ चला गया, बीच में, तो ये कहाँ चला गया, बीच में, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। 73 - 13 + 42 वाला कौन सा चेंज करने पर कुछ हो जाएगा, तो 14 + 56 = 14 + 42, ठीक है, प्लस माइनस को चेंज करते हैं पहले, तो 13 - 13 + 13 × 42 बटे 14 - 56, देखो तो कुछ हो सकता है क्या, 14 + 42, हाँ ये कुछ हो सकता है, तो 13 * 39 = 39 यहाँ घटा देंगे, 39 यहाँ जोड़ते हैं, 9 * 3 = 12 और 8 * 3 = 112 56 आ गया, यानी माइनस प्लस से बन गया आंसर। चलो अब बोल रहा है कि कहाँ पर ये फिगर देखने को मिल सकता है, ये फिगर हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, ये फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, ऐसे करके ऐसे गया ना, तो इधर देखो कहीं पे है ऐसा, ऐसा है ट्रायंगल, सीधा लाइन बनेगा, एक सीधा गया तो पूरा तो टच नहीं कर रहा, अगर इस फिगर में देखते हैं थर्ड ऑप्शन में भी देखो, तो यहाँ पर से अगर ऐसे किया होगा, अरे यार राउंड में पेन क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे, तो ये तो हो सकता है यहाँ पर ना, नहीं, या अगर इसको देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे आया ऐसे, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा हो गया ना, हाँ फिर यहाँ पर देखेंगे, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है आंसर में, लास्ट ऑप्शन देख लेते एक बार, अगर ये ऐसे आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसको देख लेते हैं, एक पतला सा बनेगा ना,
तो पतला से तो यहाँ भी बन सकता है। कहाँ से ले ले इसको, ऐसे पूरा यहाँ से लास्ट ऑप्शन को भी यूज़ कर रहे हैं। चलो 352 × 8 है, 330 बता कोस करने पे क्या आएगा। तो देखो डिवाइड डिवाइड काम तो 125 से नहीं हो रहा है, यानी डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा। माइनस प्लस में कुछ करते हैं, 330 है तो 11 से कटेगा, 3 × 2 = 5 ठीक है बन गया। 352 है, 8 रखो, माइनस को डिवाइड करते हैं 330 और प्लस 125 और माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 है। अब देखते हैं 3 है ना, तो कहते हैं 11 × 30 में और 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22 32 हो गया ना। तो ये तुम्हारा 4 × 12 में, अगर 4 से काटेंगे 15 कटेगा, नहीं 16 से कटेगा, 31 15 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, ना नहीं कट रहा। अब 352 है, प्लस को 8 कर देते हैं, माइनस 330 प्लस को मल्टीप्लाई 125/4, इससे कुछ हो जाएगा देखते हैं। 4 से कटेगा, नहीं 4 से 3 भी नहीं कट रहा, 2 × 4 16 × 32 5 × 10 नहीं ये भी नहीं आ रहा। तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ कहानी हो जाए, तो 352/8 माइनस 330 प्लस 125 और इंटू का 4 ये भी हो सकता है क्या। देखो 8 × 32 और 8 × 32 44 आ गया, 125 × 4 तो 544 और 330 घटाते हैं आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आ गया। इच वोवेल इन द वर्ड एग्जैक्टली चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड इच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रेसेडिंग इट इंग्लिश अल्फाबेटिकल। इफ इच लेटर इज दस फॉर्म इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल देन विच लेटर विल थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो एग्जैक्टली लिखा हुआ था ई के पहले, तो हम बोला कि वोवेल को क्या चेंज कर रहे हैं, इच वोवेल एग्जैक्टली फॉलोइंग चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट इट इन द इंग्लिश। ठीक, ई के बाद को ना एफ आता है, एक्स से पहले एक्स मान 24 यानी डब्ल्यू आएगा, ए के बाद बी आएगा बी हो गया, सी के पहले बी आएगा पी क्यू आर एस टी एस आ जाएगा, एल का मान तो हो जाएगा 12 तो यानी कि 11 यानी कि ए, वाई का मान होता है 25 यानी कि 24 यानी 24 बोले तो एक्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसको फिर अल्फाबेटिकल में अरेंज कर लो, तो बी बी और पहले कौन आएगा, के आएगा पहले, एफ एफ आएगा ठीक है, बी और बी 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 और एफ आ गया, उसके बाद के आएगा फिर डब्ल्यू आएगा फिर एक्स आएगा। फिर क्या बोल रहा है, तो विच लेटर विल थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, द केस का सही आंसर आ जाएगा। आगे चलो, फिर बोलता है ये फिगर को बताओ कौन है अलग है, तो स्क्वायर हाई तू बनाए थे उस दिन भी, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों किया है भाई, ये अपोजिट बना रहा है ना इसीलिए। चलो एल डॉलर की साइन बोलता है एल डॉलर, एस इज मदर ऑफ टी, एल इज मदर ऑफ टी, एल इज मदर ऑफ एस इज एल इज मदर ऑफ टी, एल इज मदर ऑफ क्या है टी है, अरे यार एल इज मदर ऑफ क्यू है, अच्छा एल इज मदर ऑफ क्यू, बराबर का साइन है कि एस इज सन ऑफ टी, तो क्यू इज सन ऑफ बी, क्यू इज सन ऑफ बी है यानी फादर हो गया ये। फिर और हाउ ई रिलेटेड टू एल, ठीक है एंड ई का बोल रहा है ना, और बी हैश टैग मतलब होता है कि एस इज फादर ऑफ टी, तो डी इज फादर क्या बोलता है, बी इज फादर हो गया, क्या बोलता है कि एस इज, तो बी इज फादर ऑफ डी, एट द रेट का मतलब है कि एस इज हस्बैंड ऑफ इतना, तो डी इज हस्बैंड ऑफ ई, तो ई का एल से क्या संबंध, बहू का है यानी डॉटर इन लॉ का है, हाउ ई रिलेटेड टू एल, तो बहू का हो गया, हाँ सही है। फिर देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल इन ऑल द लेक्स दैट सप्लाई वाटर टू सिटी, स्टेटमेंट है कि जो पानी है ना वो ड्रॉप हो चुका है सिग्निफिकेंट लेवल पर, कहाँ जितने भी लेक है सिटी में, उसके एक्शन हमें क्या करना चाहिए, द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड मेक अ पार्शियल कट इन द सप्लाई टू डील विद द सिचुएशन, ये वाटर सप्लाई अथॉरिटी तो ये क्या करना चाहिए, पार्शियल कट करना चाहिए सप्लाई वाटर को ताकि सिचुएशन को डील कर सके। बोला सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स दैट सप्लाई वाटर टू सिटी, गवर्नमेंट शुड अपील टू द पीपल थ्रू द मीडिया दैट दिस यूज वाटर स्प्रैंगली, है ना संभाल के ना, क्योंकि कम से कम इस्तेमाल करो पानी को, कम से कम इस्तेमाल करो, ये बात सही है। जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती कर देनी चाहिए, आपूर्ति में आंशिक कटौती तो कर सकते हैं, हाँ आंशिक कटौती कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कर सकते हैं बट पार्शियल कर सकते हैं, दोनों फॉलो कर सकता है। 14 × 28 प्लस का 3 21 × 62 तो 129 है, उसमें से अगर हम कितना देखो 14 × 28 31 को अगर हम 4 गुना किए, 4 × 4 = 12 अब प्लस का 5 हो रहा है, उसके 129 को फिर हम कितना किए होंगे 5 से 6 से किए होंगे, तो 9 × 6 = 54 6 × 12 = 5 = 17 है ना, तो वही हो गया आंसर 124 सही इसका है। चलो आगे चलते हैं, बी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी सी का देवर या साला है, जो बी है बी सी का, बी जो है सी का देवर, बी जो है ना
जो बी है सी का देवर या साला है, तो बी सी का देवर या साला है, तो यानी कि ये लड़की तो पक्का है। और सी एफ की पुत्री है, जो सी सी बी सी का देवर या साला, अच्छा बी सी का, बी सी का देवर या साला है, ठीक है। तो बी ना, तो एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ ये है यार, पेन भी थोड़ा ये सिलेक्ट नहीं होता है। तो इसका संबंध ये दोनों शादी किया भाई, दोनों ये दोनों शादी किए हुए हैं, और इसका भाई बहन सी हो गया, ठीक है। और सी एफ की पुत्री है, जो सी है ना वो एफ की पुत्री है, तो ये भी पुत्री होगी, सी एफ की पुत्री है, जिसके केवल एक पुत्री और एक पुत्र है, यानी कि पुत्र होगा। जब ये पुत्र होगा तो यानी भाई ये बी सी का देवर होगा या साला होगा, ठीक। और बोलता है कि जिसके केवल एक पुत्री और पुत्र है, तो ये पक्का पुत्र है। फिर बोलता है ए बी का एकमात्र भाई है, ए जो है ना ए बी का एकमात्र भाई है, ए बी का एकमात्र भाई है, तो ये दोनों भाई बहन होगा, और इसका शादी इसके साथ में हुआ होगा। हाँ ये यही तो सही बन रहा था, ठीक है, इसका शादी इसके साथ में हुआ होगा तभी तो है। तो ए का पुत्र सी से क्या संबंध, ए का जो पुत्र है सी से क्या संबंध रख सकता है, जो ए का पुत्र होगा सी से पुत्र का ही संबंध रहेगा, पुत्र का संबंध रहेगा। चलो वेस्ट को 60 लिखा, डब्ल 23 हो गया, ए का मान 1 हो गया, एस का मान 19 हो गया, टी का 20 और ई का मान 5। जोड़ो जरा 3, 1, 4, 9, 4, 13, 5, 17, बाकी के 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि माइनस का 7 किया। उसी तरह से ब्रांडेड को लिखा 2, R का मान, या उसको उल्टा करते हैं तो 23 का कितना होता है, तो 4 और 26 और 19 के साथ है, तो 19, 7, 9, 8, 17, 20 है तो 7 हो गया, 5 है तो 22 हो गया, ठीक है। तो को 6, 4, 10, 8, 2, 10, 17 तो हो गया 27, बाकी का 2, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 67 यानी हमेशा माइनस का 7 ही हो रहा होगा कहीं से भी। इसी प्रकार से लिखा कि बी आर का मान 18 होता है, ए का मान 1 होता है, एन का मान 1, एन का मान 14, डी का मान 4, ई का मान 5 और डी का मान भी 4। इससे तो नहीं हो पाएगा 84 ना। अब बोलेंगे 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 14 का 13 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 23, यहाँ हो जाएगा 22, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 23। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसी को जोड़ना पड़ेगा ना। बी आर ए एन डी ई डी, देखो करके क्या होता है, नहीं बनेगा। चलो इस क्वेश्चन रखते हैं आगे, चलो आगे बढ़ो। फिर आता है जे डाइस एस एक्स डाइस डब्लू यू टी एन एस डैश पी डैश ओ वाई एल आर के ए डैश 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 3, 4, 5 या 4, 4 भी ले सकते हैं क्या, 4, 4 भी ले लेते हैं, एक्स 4, 4, 3, 4 फिर यहाँ पे 4, देखो तो ये 8 है, जे के जे का मान 10 होता है, फिर यहाँ पे तुम्हारा 14 है, यानी 12 दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अगर 12 देते हैं यानी कि अगर यहाँ एल लेते हैं, ठीक है, तो एल हो जाएगा, और एल के बाद यहाँ पे एन आएगा, और एन के बाद फिर यहाँ पर 16 आएगा, 16 बोलेंगे तो पी आ सकता है ना, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, यानी डैश के बाद एल, फिर डैश के बाद फिर यहाँ पे पी आएगा, तो डैश के बाद एल, डैश के बाद पी, एक ही ऑप्शन आ रहा है ना ऐसा, हाँ तो चलो आंसर यही हो सकता है। दिए गए हावड़ा ब्रिज, एफिल टावर, ताजमहल, लाल किला, एफिल टावर भारत के बाहर हैं। फिर बोलता है एक के सम्मुख फलक पर कौन होगा, एक के पीछे कौन होगा, एक के पीछे 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2, 3 मिल रहा था, एक के पीछे 1 होगा, सम्मुख बोला मैं उसके उल्टा ही पूछ रहा ना ऐसा, ठीक है। बोलता है कि बता एल इज़ ग्रेटर देन के हो सकता है क्या, एल जो है के से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। एम इज़ ग्रेट, देखो अगर बात कर रहे हैं कि एल एम से बड़ा है, तो अगर यहाँ पर रखते हैं ना तो ओ, तो एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन तो है, और एल ये भी है, लेकिन फिर वो अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये ओ से भी ये ओ से बड़ा होगा। अच्छा ये दिया हुआ है एम के, और ये अगर इसको हम ओ मान लेते हैं, इसी को ओ मान लेते हैं, ठीक है, और ओ इज़ ग्रेटर देन के रहा है किसके, के बराबर होगा, तो ये हो सकता है क्या, हाँ पहला हो सकता है, सेटिस्फाई कर रहा है। और के इज़ ग्रेटर देन एन हो सकता है क्या, के इज़ ग्रेटर देन एन कभी नहीं होगा, इसलिए 1 सही होगा खाली। आगे करते हैं कि इन 1993 में कुछ स्टडी हुआ था, रिसर्च किया गया था फोन के यूवी एक्सपोजर, यू है ना 1993 में स्टडी हुआ, रिसर्च फाउंड दैट की यूवी एक्सपोजर फ्रॉम सिटिंग अंडर फ्लोरोसेंट लाइट्स फॉर 8 आवर इक्वल टू 1 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर।
तो फ्लोरोसेंट लिमिट्स इमिट अल्ट्रा वायलेट रे हाँ करता, तो अल्ट्रा वायलेट करता है, क्योंकि कह रहा है रिसर्चर ने पाया कि यूवी एक्सपोजर होता है कब, हम जब फ्लोरोसेंट लाइट के नीचे 8 घंटा जब बैठते हैं ना, तो 1 मिनट ऑफ सन एक्सपोजर के बराबर होता है। इसका मतलब इन्फ्रेंस बोलता अनुमान ये लगा सकते हैं कि फ्लोरोसेंट लाइट जो होते हैं वो भी यूवी रे इलेट करता हाँ करता है। द अमाउंट ऑफ यूवी रे इमिटेड फ्रॉम सनलाइट मच मोर देन फ्लोरोसेंट लाइट के, जो अमाउंट है जो यूवी रे का इमिट होता है फ्रॉम सनलाइट वो मच मोर देन होता है, हाँ ये दोनों सही है। फिर बोलता है 10 हैश टैग मतलब कितना, हैश टैग बोले तो मल्टीप्लाई 25, एट द रेट का मतलब हो गया डिवीजन बाय 5, और डॉलर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, 20% का मतलब माइनस का 10, ठीक है। तो 5 से चला गया 10 बचे 50, और 50 में से 50 10 60। चलो अब आते हैं मैथ के ऊपर, कितने बचे 36 मिनट लग गए ना। ए मिक्सचर कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना है, ठीक है एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का है, 9:5 में है। बोलता है 6 लीटर वाटर इज एडेड टू द, 6 लीटर वाटर कहाँ ऐड किया गया, तो 6 लीटर वाटर ऐड करने पर इसका 9:7 होता है, किसको पानी को 6 लीटर ऐड किया गया, इसको कुछ नहीं किया गया यानी कि कितना का हो गया, जब कुछ नहीं किया गया फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर तो कितना बढ़ गया, 2:6 हो गया यानी 1:3, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर कितना मिल्क होगा, तो मिल्क की बात 9:27 लीटर होगा। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी है, एक सेकेंड दोस्तों काम थोड़ा करना है। चलो कहता है कि ए बी और ए सी, ए बी को बढ़ाया गया बी सी और ए सी को बढ़ाया गया कहाँ तक, डी और ई में, ठीक है बढ़ा लो डी और ई तक बढ़ाया है, ठीक। इस बोलता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, डी बी सी का बाइसेक्टर और एंगल ई सी बी का बाइसेक्टर मिल रहा हो कहाँ पर, ओ पे एंगल नाम है 85 डिग्री, ठीक है तो फाइंड द एंगल ऑफ बी ए सी, बी ए सी का मान पूछेगा क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, यही होता है फॉर्मूला, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू कितना 85 दे दिया है। अब देख लो क्या करना है, तो एंगल तो 90 माइनस का 5 हो गया 10, इसका डिग्री सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको ये 5 हो जाएगा उधर जाएगा दोगुना करना है 10 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। चलो रेक्टेंगल है डायगोनल इज 4 टाइम ऑफ इट ब्रेथ, जो डायगोनल है ना एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, डायगोनल की बात कर रहा है, तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ इट ब्रेथ, उसके ब्रेथ का 4 गुना है, ठीक है इसको उधर भेज देंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√b हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ इसे, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ क्या हो सकता है, अब ऐसा ना करके हम उसको ऐसा कर देते हैं, क्या बोलेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है तो हो गया इसको स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा बराबर 4×16 का बी स्क्वायर, ठीक है एल स्क्वायर इक्वल टू 15b² और बोल रहा है कि एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लेंथ का ब्रेथ से पूछ रहा है, तो 15 बटे 1 हो जाएगा, 15/1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते सोहन मेक्स 4 trips ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ही स्पीड ऑन फर्स्ट ट्रिप 240 किलोमीटर और उस लगातार के ट्रिप में वो आधा होता चला गया प्रीवियस का, तो कितना एवरेज स्पीड होगा चारों ट्रिप में, तो पहले 4 डिस्टेंस बनाएंगे 1, 2, 3, 4 मानो बराबर डिस्टेंस 4 स्पीड में 4 equal distance ना, एक डिस्टेंस ये, दूसरा डिस्टेंस ये, तीसरा डिस्टेंस ये, चौथा डिस्टेंस ये है, ठीक है 240 किलोमीटर का है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ चलेगा 240 चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा 120 चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा 60 चलेगा, और यहाँ से यहाँ चलेगा तो 30 चलेगा, तो क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप, प्रीवियस ट्रिप का आधा होता चलेगा, तो यहाँ से चलेगा 240, तो फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, तो 4 equal distance है ना, हाँ तो बताओ कि सोहन का एवरेज स्पीड क्या रहा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है 40, ये नहीं कहेंगे पूरा डिस्टेंस कितना 40 तो है, अरे यार पेन बंद हो गया, फोर डिस्टेंस 40 हो गया बट टाइम की बात कर रहा 240, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना है डी है, टाइम कितना है 240, ठीक है प्लस डी बटे 120 प्लस डी बटे 60 प्लस डी बटे 30, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 240 ही हो जाएगा, ले लो 240 एलसीएम, तो 4d × 240 ऊपर चल ही जाएगा, अब बताओ 12 का एक डी हो गया, 12 × 24 2d और 6 का 4d और प्लस का इसका 8 × 24 8d, ठीक है तो 8 × 2 = 10 = 4 = 15 यानी 15d, 15 × 120 और डी से डी काट लो 15 × कितना होता है 120 होता है ना, तो 15 × 120 16 × 12 = 16 × 64 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल क्या पी क्यू और आर है, एल और एम यहाँ पर 2 पॉइंट है पी क्यू पर और पी आर पर है, एल और एम 2 पॉइंट है, ठीक है और इस प्रकार से कि एल एम पैरेलल है क्यू आर के, अगर पी एल का मान 4 है, एल क्यू का मान 6 है, पी एम का मान 6 है, तो एम आर का मान क्या होगा, तो बोलेंगे 4 बटे, देखो
चार बटे दस मान लो ना पहले, तो छः बटे छः प्लस एक्स ही तो मानेंगे, तो दो से कटेगा दो, दो का तीन, दो का पाँच, पंद्रह, यानी कि नौ सेंटीमीटर्स का आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी ही वर्क इट फॉर 5 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो लिखता है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक, और वो 5 दिन तक काम किया और फिर वो चला गया, फिर वो 5 दिन तक काम किया फिर वो चला गया, तो टोटल काम कितना होगा। जबकि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी टोटल काम 30 है। बी उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को अकेले, बी अब रिमे एंड द बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो कितना काम हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए इंटू 30 तो हो गया, बराबर करते हैं कि ए 5 दिन तक काम किया प्लस बी अब उस काम को 10 दिन में करेगा, कितना काम को जो बचा हुआ है, तो इन्हें 25 ए काम बचा है बराबर बी इंटू 10 हो गया। इसका मतलब ए बटा बी की एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 2/5, तो टोटल काम कितना है, तो 60 काम है/5, तो पूरा काम करने में 12 दिन लगेगा, कौन लेगा, तो 12 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, 15% की बात कर रहा है तो 20 से 17 बिकेगा, 10 से 10 से 9 बिकेगा, 5% है ना, तो 5 है तो 20 से 19 बिकेगा, और कोई कर सकता है, कोई नहीं कटेगा, तो 2 × 4 = 30, फिर आता 17 है 19 है, तो 9×81 और 9×9=17, 171 × 17, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 11, 1 × 1 = 7 और 1 तो हो जाएगा तुम्हारा 7, 9×1 = 10, 8, 9 और 2907। इतना का डिस्काउंट हुआ, कितना पे भाई, इतना पे। एक तो ये तरीका बनाने का है, नहीं तो एक तरीका ये भी है कि 15 + 10 - 15 × 10, ठीक है, तो 25/100 चला गया, 5×2 = 5/3, तो 3.5% घटा देंगे, तो 1.5% मतलब कि 23.5 आ जाएगा ना, हाँ, प्लस का 5% -23.5×5, ठीक है, 100। अब एक चीज़ बताओ, 23.5 कितना, 28.5 आ गया, 28.5 है, तो 5×20 में कट गया, 2×10 कर लो, इसको हटा के 2 कर लो, तो 17×34 11×22 इतना आ गया, 11.1 का लगभग घटा दो, इसमें कोई आएगा 4, 27 पॉइंट, ये आंसर ज़्यादा सूटेबल है। चलो आगे चलते हैं, एक वायर है, इस एक वायर इज इन एक वायर है जब इसको स्क्वायर बनाया गया, द एरिया इनक्लोज बाई इट इज़ इतना है, तो ए स्क्वायर, तो 5929 किसका स्क्वायर होता है, तो अगर हम बोलेंगे 9 किसका, 3 से आ सकता है या 7 का आ सकता है, ये 59 किसके नज़दीक है, एक तो 8 का स्क्वायर के नज़दीक है यानी कि 64 के नज़दीक है, और 7 का स्क्वायर यानी 49 के नज़दीक है, किसके नज़दीक आ रहा है, 8 का स्क्वायर के नज़दीक है, तो यानी 73 तुम्हारा 77 का स्क्वायर ये है, देख लें 77 का स्क्वायर आ गया, यानी ए का मान 77 है। उसके बोलता है कि वायर इज फॉर्म इन द सर्कल, अगर इसको सर्किल में कन्वर्ट किया गया तो बताओ एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, तो 4×77 = क्या, तो 2×22/7 × r, ठीक है, 11×22 = 11, 77 2×4 कट गया, आर का मान आ गया 49, ठीक है, एरिया पूछ रहा है कि क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर 49 ना, तो 7 से 7 चला गया, हाँ 49 का 7 से करेंगे तो 9 से 63 यानी 343 और 22, लास्ट में कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल 6×5 = 11, 5×2 = 7, 8×4 = 12, 6×2 = 8, 7×3 = 9, 4×3 = 6, 5×11 आंसर हो गया 75 से 46। अगर इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड एनुअली देन व्हाट सम विल अमाउंट ऑफ ₹436.8 दो साल, इतना पे हो जाएगा। इफ़ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड एनुअली देन व्हाट सम विल बी अमाउंट, तो इतना अमाउंट टू 4036 रुपये यानी 4036.8/p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपाउंड एनुअली है ना, तो 16% का मतलब कितना होता है, 16/100, 4×16 = 25 यानी कि 25×4 = 29/25 × 29/25, ठीक है। अब बताओ जरा क्या होगा, दो साल का निकालना बोला, डेसिमल हटाएं 10 बार में, अब एक चीज़ देखो तो 29 से कट सकता है क्या, 4036 कटता 29 से क्या, तो 29 से कम 29 = 11, 9 = 31 है ना, 3 तो 29×87 होता है, 29×9=36, 4×3=11 तो 3 बार में आएगा, तो 1 के बाद फिर 3 तो 9×3=27, बाकी का 2, 3×6=8 हो गया,
कैरी करके 13, 7 6 13, 10 26, 6 तो 29 को कितने बार में, 9 बार में नहीं, 9 बार में लेना पड़ेगा, 9 बार में आएगा। हाँ करो जरा इसको 9 बार में, तो 9 बार 9 में 81, बाकी के 8, 9 दुनिया 18, 8 18 8 26, फिर कितना जाएगा 5 58, 29 दुनिया 58, बाकी 1392 आ रहा है, यानी कि फिर 1392 कटना, 1392 आ रहा है, कट के कितना रहा है 1392 कट गया, 1392 कट गया, फिर 29 से फिर काटेंगे 1392 को, देखो तो कटता है क्या, 29 3 87, 29 6, 9 6 36, 4 8 3 11, हाँ और 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 292, 29 को कितने बार में, 8 बार में, हाँ 9 8 72, 8 2 16 है ना, तो 9 8 48 आ गया, 29 फिर कितना 48 आ गया, 48 आ गया, अब बोला 48 आ गया, तब बोलेंगे 48 है, 5 को 2 बार में, 5 5 25, और इसे कटेंगे 24 2 48, तो कितना हो जाएगा 24 5 120, ठीक है 25 2 50, 25 1 25, 3000 इसका सही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटिव बन गया। तुम हो सकता है आप लोग बहुत आसान से कर लेंगे, मेरे से कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन। एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन इज 18, तो 360 रुपये हो गया। इफ 12 न्यू पेन्स आर एडेड देन द एवरेज प्राइस रुपीस बढ़ जाता 4 रुपये, यानी कि 360 रुपये हो गया, अब कितना बढ़ गया 4 रुपये, कितने पर बढ़ गया तो 12 पेन, 12 4 48, यानी कि 48 और जुड़ जाएगा, तो व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ न्यू पेन्स, तो सिंपल से करो ना, क्या हाल दिमाग लगाएंगे इतना, तो 12 4 48 आ गया ना, 48 जोड़ो इसको, 8 6 4 10, 408 क्या बोल रहा है ना, 12 पेन जो आया, तो 12 न्यू पेन आने से 4 रुपये बढ़ गया, तो 32 पेन हो गया, 32 पेन में 24 कर दो ना, तो 4 2 8, 4 3 12, 2 2 4, 3 2 6, 8 4 2, 4 2 6, 6 7 68, 768 कटाएंगे, आंसर 80, 408 रुपये सही हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ द न्यू पेन, द न्यू पेन का प्राइस कितना है टोटल है, 24 2 48, 24 3 72, 4 2 6, 768, 18 2 36, 360, 8 0, 408 रुपये आ रहा है, गलत हो गया क्या क्वेश्चन में, बोला कि एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन इज 18, अगर एवरेज, अच्छा हम गड़बड़ कर दिए, तो 360 रुपये तो आ ही गया, बोला 12 पेन के आने से 18 रुपये था ना, तो 18 रुपया हो गया, 22 इंटू 12 न्यू पेन आने से, तो 32 इंटू 12 करेंगे ना, तो 32 64, 32 1 32, 4 3 2 6, 384 रुपया। चलो बोलता है कबीर क्लाइम करता है खील को 3 माइल पर आवर से, और उसके बाद आता है 5 माइल पर आवर से, अगर उसको आने और जाने में टोटल 10 घंटा लगता है, देन व्हाट इज़ दर व्हाट वाज डिस्टेंस फ्रॉम देयर, इतना ठीक है, तो 5 इंटू 3, और आने जाने में टोटल घंटा लगा, तो 5 दिन 8 इंटू 10, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो अब तो नहीं कट रहा है, 4 से ही कटेगा खाली, फिर 5 बार में ये कटेगा, तो 5 5 25 या 75, 75 बटे 4, यानी कि 18 6 72, एक ही ऑप्शन ये आ रहा है, आंसर हो गया। अगर बोलता है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का मान पी है, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का मान क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या करते हैं, स्क्वायर प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा देखो तो ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा, ठीक, फिर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा ए, फिर आ जाएगा माइनस में ना, हाँ ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर टूटेगा और उधर माइनस था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस में आ जाएगा, तो 2a तो 2b कॉट है, तो ये और ये वैल्यू तो कट गया, कौन वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो 100% हट जाएगा, तो बचेगा ए कॉट ए स्क्वायर है, तो बोलेंगे ए स्क्वायर यहाँ आ गया, और कोस, अब देखो एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर तो माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है, तो कोसे का स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर से आंसर हो गया। सोनम ने कुछ पेन खरीदी, सोनम ने एक मोटर बाइक को खरीदी 4675 में, और उसके ऊपर 225 रुपये खर्च की, उसके बाद इतना बेच दिया, तो फ़ायदा बताओ कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 9 1 10, 7 9 49 5390, 90 9 4 490 बेच दी, 10% का लगभग फ़ायदा हो रहा है ना इसको, 10%। आगे चलो,
बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ इतना, वन प्लस कॉट ए प्लस टेन ए साइन ए माइनस कोस ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे वन प्लस कॉट ए, कॉट की बात है ना, प्लस साइन प्लस टेन इंटू, और यहाँ पे अगर चीज़ देखेंगे तो उसको लिख सकते हैं कि क्या कोस बटा साइन, इसको लिख सकते साइन बटा कोस, तो क्या हो जाएगा साइन कोस हो जाएगा ये, तो वन प्लस ये साइन कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा वन प्लस साइन कोस बटे साइन कोस, और यहाँ पे साइन ठीक है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, अभी रखते हैं आगे चलो। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए इंटू कोस, ठीक, अब बटे इसको लिखेंगे साइन ए प्लस कोस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन कोस, क्यों लिख सकते हैं साइन माइनस का कोस, ठीक है साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस, ये आंसर कन्फर्म कट गया, यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर तो वन और माइनस साइन कोस, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा वन, यहाँ पर क्यों होता है साइन कोस आ गया था प्लस वन आ गया था, अब बटे यहाँ साइन कोस हो गया था, और साइन कोस बटे वन माइनस साइन कोस, तो साइन कोस कट गया था, तो इसका आंसर माइनस वन होगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस वन लेंगे तब भी कुछ होगा आंसर, तो इसका आंसर हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा, वही बन ही रहा है सो बन, और कोई तरीका ही नहीं आ रहा है। बोलता है पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस लुक एट अ बिल्डिंग हैविंग हाइट 1000 मीटर, द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक पर्सन स्टैंडिंग एट अ लुक, अ बिल्डिंग को देख रहा है जो 1000 मीटर ऊंचाई बिल्डिंग है, ठीक है, कहाँ से द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड 30 डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पर से देख रहा है 30 डिग्री का बना है, और एट वाट अप्रोक्स डिस्टेंस पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग से कितना दूर पे खड़ा है, बस ये पूछ रहा है, तो 1/3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस का मतलब जाएगा 1000√3 का मतलब कितना होगा 1.732, एक आंसर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। ए और बी स्टार्ट करता है एक बिजनेस को 15000 में और 30000 में, तो हम 15 एकम 15 दूनी 30 मान सकते हैं, ए और बी का जो प्रॉफिट है वो 1:5 है, तो किस रेशियो के लिए वो क्या होगा, तो मान लेते एक्स इंटू वाई है, तो एक्स बराबर 1 और 2y = 5, यानी इसका एक्स वाई का मतलब 2:5 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and x इज, थर्ड प्रोपोर्शन ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and x, तो एक्स स्क्वायर बटा 3 इज इक्वल टू 27, यानी कि x का माना गया है 81 यानी कि 9, ठीक है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, तो 2 और y का y स्क्वायर 8 × 16 यानी y का माना गया 4, तो क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो 9:4 एक्स वाई का हो गया। चलो बोलता है कि वैल्यूज बताओ 14 + -7 + 12 इतना, देखेंगे तो हम पहले देखो अगर यहाँ देखना चाहें इसी में अगर सॉल्व करते हैं तो देखो 17 में प्लस था माइनस का 17 चला गया, फिर यहाँ पर फिर 14 15 सॉल्व कर ही लेते हैं क्या अपने कथे, एक ऊपर का सॉल्व हो जाता है आंसर हो जाएगा 14 + 7 = 21 और 21 + 15 और प्लस का 2 + 17 तो 17 कैंसिल आउट कर दो, तो 5 × 2 = 7 + 8 = 2 = 3 तो बचा क्या -12 - 3 यानी कि -15 तो 3 × 23 इसका आंसर 23/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फार्मर का लैंड है सिर्फ ट्रैपेजियम में है, ठीक है फार्मर का लैंड है ट्रैपेजियम फोकर में है, पैरेलल साइड की बात करता तो 6.32 है और इसका 7.6 yard है, कहता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 5.5 अगर 5.5 का डिस्टेंस भी है, कॉस्ट ऑफ प्लफिंग 1200 पर स्क्वायर यार्ड है, तो बताओ कितना पैसा लगेगा 6 × 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दोनों को जोड़ दो 6 × 8 = 10 7 × 3 = 10 बाकी के 1 × 8 = 14 यानी कि 14 की बात आ गया यहाँ पर, इंटू पैरेलल कितना 11/2 है और इंटू कितना गुना कर देंगे 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट यार्ड पर लग रहा है, तो 7 की बार में चला गया ठीक है, ये तुम्हारा 6 बार में चला गया ठीक है, 7 × 6 = 42 × 11 तो 42 × 42 और 14 × 2 = 4 × 6 = 4 इसका 4 × 6 = 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता है कि ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी है, बी परपेंडिकुलर है कहाँ पर, ए बी का परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर, सी डी का परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और बी और सी डी को इंटरसेक्ट किया कहाँ ओ पर, उसके बाद बाइसेक्टर एंगल ओ बी सी, बोलता है कि एंगल ओ बी सी का बाइसेक्टर और एंगल ओ सी बी का मिल रहा है कहाँ पे, बी पे पी पे मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे पी पे मिल रहा है, और एंगल ए का मान अगर 62 डिग्री है तो व्हाट इज़ एंगल बी पी सी का मान क्या होगा, अगर ये 62 डिग्री है उसका तो 62 डिग्री है तो बोलेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, ये हुआ क्या 62/2 = 31 3 × 121 ये नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है 62 है इसका दुगना कर दो 132 डिग्री, दो है ना 2 × 4 × 6 × 12 = 124 डिग्री, तो 124 का आधा कितना हो जाएगा, ये कितना 124 का आधा कितना होता है,
62 और 62 प्लस 62 नहीं, 62 मान लो इसका हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, तो 64 है तो 64 36 और इधर से देख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू 62/2। तो देखेंगे तो 3 और 1 कुछ आंसर यहीं पे आएगा, हमको लग रहा है कि 140 डिग्री इसका आ जाएगा आंसर, इसको रखते हैं अभी आगे, ठीक है चलो आगे चलें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट विद सर्टेन गन इज y/4 है, अगर प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग द टारगेट इज y/6 है तो y/6 क्या हो सकता है। बोलता है कि हिट करने का टारगेट कितना, 4 y/4 है, y/4 है कि हिट हो जाए, और ना होने की टारगेट क्या है y/6 है, तो y का मान क्या हो सकता है। तो इस दोनों को अगर सेव कर देते हैं कितना से होगा, तो 3 से यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 होगा, यानी यहाँ पर 3 हो सकता है 2 हो सकता है, देन वैल्यूज ऑफ y क्या हो सकता है। अब एक चीज़ ये भी तो कर सकते हैं कि y/4 हो सकता है, y/6 नहीं हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही हो सकती है, तो y²=2 क्या 6 × 24, हाँ ऐसा तो नहीं आएगा ना, y/4 एक बार टकराया और एक बार नहीं टकराएगा, तो y/6 नहीं होगा, या एक में से y/4 गया फिर एक में से y/6 गया, तो y का मान क्या होता है 1 - y/6 -y/4 +y²/24, नहीं ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा। अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर काम थोड़ा सा आ गया, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बोलता है कि ए बी एक कोड है, ठीक है ए बी यहाँ पे कोड है, इसका माइनर सेगमेंट है वो है, हाँ ठीक है, सेंटर क्या है वो है, सी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, मानो सी कहीं है बिटवीन ए और बी में है, द टेंजेंस टू अ सर्किल एट ए एंड बी, कहाँ मिल रहा है ओ पे, कहाँ मिल रहा पी पे मिल रहा है, तो एंगल ए सी बी का मान, अगर एंगल ए सी बी का मान 108 है तो एंगल ए पी बी का मान बताओ क्या होगा। तो इसके अपोजिट में एक बनता है ना 108 है, 72 हो गया, यहाँ 72 हो जाएगा ये, और ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 108 होना चाहिए था, नहीं ये और ये क्या इक्वल है, तो ये और ये इक्वल है, तो ये 108 है ये है, तो ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब 108 का आधा कर दे 54 कर देते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है, तो डाउट हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रखते हैं मार करके। एंगल TPS का मान पूछा क्या होगा, बोलता है कि TPS का मान बताओ क्या होगा, तो कहाँ है कि एंगल TPS T, अच्छा इसका पूछ रहा है इसका मान बताओ क्या होगा, तो हम यहाँ देखेंगे ठीक, ऐसा गया ये ए है, सॉरी पी है, ये क्यू है, ये टी है, यहाँ पर कोई एस है, फिर यहाँ पे आर है, हमको यहाँ का एंगल पूछ रहा है ठीक, और पहले ये 90 डिग्री कर लो, ये भी 90 डिग्री आ गया ठीक है, और पी टी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी का बाइसेक्टर का होना, पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी का बाइसेक्टर कौन है ये, चलो इसको अभी रखते हैं यार थोड़ा दिक्कत होगा। मनीषा हैज़ ₹8,000,000 इन हर वैलेट, ठीक है 8,000 उसके वैलेट में है, उसके बाद उसने 10% बढ़ाई, नाउ सी स्पेंड 5% उस पर, द फाइनल मनी इन हर वैलेट विल बी हाउ मच प्रेशर ग्रेटर देन इनिशियल अमाउंट, कितना ज़्यादा है, यानी 8,000 रुपये था उसके पास, उसने 10% बढ़ाई, यानी कि इसका मतलब 8,800 कर ली, अब उसके बाद नाउ सी स्पेंड 5% उसको 5% खर्च कर दी, तो उसके पास 5% खर्च करने का मतलब क्या हो गया, कितना बचा उसके पास, तो 5% खर्च कर दिए तो 95 बचेगा, तो 88 × 95 8×5=40 और 9×8=72 76, तो 8×5=0 6 7 यानी बचा 0 6 7 6 13
8360 रुपये बचा उसके पास, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी इन हर वैलेट विल बी नाउ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट से 360 रुपये अभी भी ज़्यादा है, किससे भाई 8000 × 100, ठीक है। 0000 तीनों कट गया, तो 4 से काटेंगे, 4 को 2 बार में, 4 काटेंगे 9 बार में, सारे 4% ज़्यादा अभी भी है। बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ दिस, तो हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस, अगर 165 × 35 अगर दोनों मल्टीप्लाई होगा, देखो जरा 16 × 48 तो क्या हो सकता है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये 165 + 35 अगर दोनों जोड़ देते हैं तो 65 में 5 जोड़ देते, 2 का क्यूब हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब 8 हो जाएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 80, 90, 112 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 80, 90 और 112 एलसीएम निकालते हैं, 4 से काटो नहीं की बार, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 40, 45 और 5 × 10 6 × 12 4 से काटें, 4 का 10 बार में 45, 4 का 14 × 56 2 से काटेंगे 5, 2 को काटेंगे 45, 2 को काटेंगे 7 5 से काटेंगे 1, 5 को काटेंगे 9, 7 अब देखो तो 5 × 10 × 20 20 × 80 और × 63 8 × 24 8 × 48 = 50, 40 बोलता है कि दियर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके चारों तरफ से क्या है, एक राहुल टेक 15 मिनट दियर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ है, ठीक है। राहुल टेक्स 15 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, 15 राहुल कितना लगता है 15 मिनट लगता है उसको दौड़ने में, जबकि अनिल को 18 मिनट लगता है उसको दौड़ने में, अनिल को 18 मिनट ही लगता है। सपोज दो बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दी मीट करेगा, तो 15 × 120 नहीं, इसको देखो एलसीएम पे निकालना होगा बस और कुछ नहीं करना है। तो कौन सा ऐसा संख्या जो दोनों से कट सकता है, तो 90 कट सकता है दोनों से, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90, ठीक आंसर वही हो गया। देख दो क्यूब है आयरन का जिसका एज 7 है और 11 है, दो क्यूब है इसका 7 और 11 मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया, यानी 7 क्यूब कितना होता है 343 और 11 का क्यूब होता है 1331, जोड़ दो 3 × 1 = 4, 4 × 3 = 7, 3 × 3 = 16, 1674 तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, तो ये 1674 ही तो हो जाएगा ना। चलो व्हाट विल द सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 64000 पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा 5% पर एनम के लिए, ठीक है। तो 0 से 0 चला गया, 5 × 20 6 × 5 = 30 30 × 2 = 32 × 32 = 64 पक्का 64 से वाला आंसर हो जाएगा, और 3200 × 5/10 तो 32 बचे कितना 5 × 10 5 × 15 = 18 5 × 10 चलो ठीक है सही है। एक डिस ओनर शॉपकीपर है सोल्व करता है, एक डिस ओनर शॉपकीपर है सेल्स करता है शुगर को 45 पर केजी से, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर 45 पर केजी था, उसके बाद ही ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम इस पैकेट, तो व्हाट इज द गेन प्रोसेस, ठीक है। सेल किया 45 में, खरीदा 40 में, तो फ़ायदा कितना का हो गया, 40 में खरीदा 45 में बेचा, यानी फ़ायदा की बात करते हैं 5, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम भी निकाल दिया, 1000 से 900 ग्राम बेचेगा, यानी फिर से बोला कि 9 से बेचा 10 बार में, प्रॉफिट कितना हो गया 4 से काटेंगे तो 4/5 एक का प्रॉफिट कमा लिया, कितना 25% का प्रॉफिट कमा लिया एक ही बार। चलो तो अब यहाँ पे मैथ में कितना, 4 क्वेश्चन मैथ में नहीं हुआ है 3 क्वेश्चन मैथ में छोड़े हैं। ये क्वेश्चन ना देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, ट्रायंगल सी है। बोलता है कि बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर ए सी पर और सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर, ठीक है। और बी ई और सी डी इंटरसेक्ट किया दोनों कहाँ, ओ पर, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, जिसका मान पूछ रहा है क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर 62 डिग्री है, ठीक है। जब तुम्हारा 62 डिग्री ये वाला है, जब ये तुम्हारा 62 डिग्री है तो ये क्या हो सकता है, इसका बाइसेक्टर इसका 62 है, तो 62 8 कितना 40, 62 8 102 8 हो गया, 118 हो गया, 118 में 2 जोड़ेंगे 20, ठीक है। और इसका आधा कर दो तो 5 × 10 = 59 यानी कि 59 डिग्री इसका आ गया, जब ये 59 डिग्री ये है तो 59 डिग्री ये भी है,
और 59 59 118 यानी 62 डिग्री ये भी हो जाएगा। 62 डिग्री अगर ये भी है तो इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 59 का आधा कितना हो जाएगा, तो 59 का आधा 4 2 8 59 ही तो हो जाएगा ना, तो 161 हो जाएगा इसका आंसर। 59 कितना नहीं थी तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसका। क्वेश्चन कहीं पढ़े बनाए भी अच्छा समय, चलो इसको रखते हैं अभी, है नहीं बन रहा तो इसको मतलब नहीं बन पाएगा। अब रीजनिंग जो कौन क्वेश्चन छोड़ते, रीजनिंग में एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन था ये बोला ना डब्ल्यू एस का वेस्ट का हो गया 23, ए का मान हो गया 1, एस का मान हो गया 19, टी का मतलब 20, ए का मतलब हो गया 5, ठीक है। तो 9 1 10 3 13 5 18 बाकी के 1 2 3 4 5 6 23 होता है, एक होता है, एस का 19 होता है, टी का 20, इसका 5, तो 9 और 1 10 10 5 15 15 3 18 बाकी के 2 3 4 5 6 68 हो गया, माइनस का 8 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करते हैं, बी का मान होता है 2, आर का मान होता है 18, ए का मान होता है 1, एन का मान होता है 14, डी का मान होता है 4, ई का मान होता है 5 और डी का मान होता है 4, ठीक। तो देखो 8 2 10 10 11 11 8 19 19 4 23 23 5 28 बाकी का 2 2 3 4 48 नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है। और क्या लगा सकते हैं, एक देखो डब्लू, अगर हम डब्लू को 23 लिखे, ए को 26 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, टी को 7 लिखते हैं, ई को 5 है तो ई को 22 लिखते हैं, 2 2 4 2 6 नहीं, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। या अगर हम 23 ए को लिखें 20, ए को लिखेंगे 20 26, एस को इतना, टी को लिखते हैं 20 ही, डब्लू को 23 नहीं यार ऐसा कुछ होगा ही नहीं। 6 लेटर यहाँ हैं, यहाँ पर 6 लेटर है, तो 12 25 60 अरे यार वो हो गया 12 7 84 7 लीटर है क्या, हाँ अरे यार 7 का मल्टीपल है। देखो अब ये इसमें कितना वैल्यू देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लीटर है ना, तो 11 इंटू कितना करेंगे 12 से ना, क्योंकि 12 5 तो 132 इसका सही आंसर आ जाएगा। देख लेते फिर भी, सी है एक पहला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, तो 11 इंटू 12 132, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये कल फंस रहा था वहाँ पर और बन गया सब। अब खाली रीजनिंग मैथ का खाली बचा हुआ है, मैथ का देखें कहाँ है, ये वाला ये तो बनेगा नहीं भाई, और कौन सा है ये वाला, ये भी बन सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग रखें ना तो बन जाएगा, बेसिक्स पर लगाना पड़ेगा हमको, ये लग रहा है कोई ट्रिक इसका तो नहीं जा सकता मेरे लिए। पी है अभी 3 मिनट है, पी क्यू टी एस और आर है, यहाँ 90 डिग्री है ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्यू है, बोलता है ट्रायंगल पी क्यू आर में कि पी एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी पी एस इज़ द बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल को बराबर भाग में बांटा है कौन, पी एस। तो ये जब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, और इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा है, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसके हिसाब से फिर यहाँ देख रहे हैं, इसको यहाँ देख रहे हैं, पी एस इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, एंगल टी पी एस का मान बताओ क्या होगा। या फिर इसका यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, नहीं भाई नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो छूट रहा है इसमें से, 3 क्वेश्चन छूट रहा है ना, चलो सबमिट करते हैं सेक्शन को, अब तो बनेगा नहीं इसमें स्कोर। अब इंग्लिश पे आते हैं, रोहित अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड हैव प्लान टू ट्रिप टू गोवा, हाँ रोहित अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा है क्या करने का भाई, गोवा जाने का। रोहित अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैव प्लान, रोहित अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स प्लान टू अ ट्रिप टू गोवा, गोवा जाने के लिए प्लान टू गोवा के लिए टू गोवा। तो सी में कुछ एरर लग रहा है, रोहित अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैव, देखो
हिज फ्रेंड्स की बात, रोहित अपने दोस्तों के साथ में लगा दिया तो हैव तो वहाँ सही फॉर्म आ गया। प्लान्ड कर रहा है किसको, ट्रिप को, प्लान्ड अ ट्रिप, हाँ प्लान्ड अ ट्रिप टू गोवा, तो प्लान्ड अ ट्रिप फॉर गोवा हो सकता है। अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत अमाउंट में, तो पुअर का मतलब कम। इट इज़ अ फैलेसी दैट अफ्लुएंट गिव रिलेटिवली मोर टू चैरिटी देन द लेस प्रॉस्परस। क्या बोल रहा है, इट्स फॉलेसी दैट अफ्लुएंट गिव। एडमेंट का मतलब होता है अड़ के रहने वाला, डबियस का मतलब होता है नाटक की, किसी का डब करना, प्रॉस्परस तो होता है नहीं। चक सेट क्वाइटली फॉर आवर्स, चक सेट क्वाइट फॉर आवर्स स्टार्टिंग इन टू द डिस्टेंस, क्वाइटली नहीं हुआ, क्वाइट होता ना, चुपचाप बैठा था। स्टार्टिंग इन टू डिस्टेंस थिंकिंग वाट माइट हैव बीन, सोच रहा था कि क्या होगा आगे चल के, जो भी कुछ होगा। हैड आई सम नॉलेज ऑफ योर हेल्थ इशूज आई डैश नॉट कॉल यू फॉर द मीटिंग। हैड आई आ गया, तो हैड आई का मतलब हो गया हैड आई सम नॉलेज ऑफ योर हेल्थ, अगर मुझे तुम्हें, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, अगर मुझे पता होता तुम्हारे हेल्थ के इशू के बारे में, तो आई वुड ना होगा ना, यहाँ पे आई वुड होगा, क्योंकि हैड यहाँ आ रहा है तो वहाँ पे वुड आएगा, क्योंकि हैड प्लस आई का मतलब होता है, एक होता है ना फॉर्म हमारा कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है। द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी यू एनी वन लास्ट नाइट, तो दैट नाइट या प्रीवियस नाइट, तो प्रीवियस नाइट होगा, लास्ट नाइट नहीं, प्रीवियस नाइट। तो वॉचमैन ने कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा लास्ट नाइट। द वॉचमैन सेड दैट कि ही डिड नॉट सो एनी वन द प्रीवियस नाइट, तो वो ही डिड नॉट, अब देखो दैट ही डिड नॉट सो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता तो वहाँ तो गड़बड़ हो गया। आई डिड नॉट सो एनी वन, तो ही हैड नॉट सीन एनी वन, ही हैड नॉट सीन एनी वन। द वॉचमैन सेड दैट ही डिड नॉट सो एनी वन, डिड नॉट, ही डिड नॉट सी एनी वन। डिड नॉट कब लगता है, जब भाई डिड नॉट साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना, हाँ तो ये तो यहीं पे सही हो जाएगा, यही वाला लास्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, अगर सही हम ज़्यादा लग रहा है तो। अरे बढ़ो यार आगे। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हुम रूट द बुक, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस पर्सन का नाम जिसने किताब लिखा था। हुम किसके लिए आता है भाई, तो हुम आता हमारे सब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है ना, तब हमको खोजना पड़ेगा। कैन यू टेल वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। रोड का मतलब हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया, ये वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ ये वर्ब है, सब्जेक्ट है ये ला। द नेम ऑफ पर्सन यानी कि पूरा नाउन है, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, तो ये सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ, तो कोई एरर तो नहीं लग रहा यहाँ पर है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हुम रोड, हु रोड द बुक, हुम तो नहीं लग रहा यहाँ पर है, आर ही गड़बड़ कुछ ना कुछ निकल जाए आर में ना। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु रोड दिस बुक या हु रोड द बुक, देखते हैं चलो। क्या स्क्वाइलेट का मतलब क्या हो सकता है। ऑल ग्रेट थिंकर्स लिव एंड मूव ऑन हाई प्लेस ऑफ थाउट, यानी जितने भी ग्रेट थिंकर्स हैं वो लिव रहते थे और कहाँ मूव कर गए, हाई प्लेन ऑफ थाउट में रहते हैं, अच्छा ऊँचे विचारों में रहते हैं। इट इज़ ओनली दियर दे कैन ब्रीथ फ्रीली, और वो वही जगह होता है जहाँ पर आराम से फ्रीली अपने आप को ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक जो सांस ले सकते हैं। इट इज़ ओनली इन कॉन्टेक्ट विद स्पिरिट्स लाइक देम सेल्फ दे कैन हारमोनियसली एंड अटेंड दैट सेरेनिटी विच कम्स फ्रॉम आइडियल कंपेनियनशिप। क्या बोला, इट इज़ ओनली इन कॉन्टेक्ट विद स्पिरिट्स लाइक देम सेल्फ, ये इट इज़ ओनली इन कॉन्टेक्ट विद स्पिरिट लाइक देम सेल्फ, अपने अपने स्पिरिट के साथ में कॉन्टेक्ट, कुछ ऐसा कुछ कहानी पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। द स्टडीज ऑफ ऑल ग्रेट थिंकर्स मस्ट रेंज अलोंग द हाइस्ट अल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन थाउट, यानी कि जितने भी ग्रेट थिंकर होते हैं उनके जो थाउट्स होते हैं ना बहुत ही ऊंचाई पर रहता है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आई कॉन्ट रिमेंबर द नेम ऑफ एनी इल्यूमिनेटिव जीनियस हु डिड नॉट ड्रिंक हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द फाउंटेन्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड हेब्रू राइटर्स, मुझे ऐसा कोई भी याद नहीं, कोई भी ऐसा जीनियस हो जिसने कि इंस्पिरेशन किसी से ना लिया हो, ऐसा कुछ शायद हो रही हेब्रू राइटर या ग्रीक राइटर से। और सच अमंग द मॉडर्न एज वेल पीपल्स इन एंशियंट थाउट बिकम मास्टर्स इन दियर ओन, ये आई हैव ऑलवेज थाउट दैट स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ बैकोनियन थ्योरी, आई हैव ऑलवेज थाउट दैट स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ बैकोनियन थ्योरी वॉज दैट नो मैन इनडेबिटेबल ही जीनियस शुड हैव रिटेन द प्लेस एंड सोनेट्स दैट हैव बीन, बहुत हार्ड हार्ड वर्ड यूज़ किया भाई। द मैग्निफिशेंट आइडियाज दैट हैव बीन हाउंटेड द ह्यूमन माइंड एंड गिव्स अस आवर हाईएस्ट प्रूफ ऑफ फ्यूचर, तो यहाँ बोला वो द वर्ड स्कोलाइड मीन्स का मतलब क्या हो सकता है भाई, वर्ड बहुत हार्ड है छोड़ दो, नहीं निकालेंगे नेगेटिव तो बर्बाद कर देगा। व्हाट डज द सबलाइम डिसकॉन्टिनेंट ओरिजिन, क्या डिसकॉन्टेंट ओरिजिन कहाँ हुआ है, अब देखो जरा ये बहुत हार्ड हार्ड वर्ड यूज़ किया भाई इसके अंदर, इतना आसान नहीं इसको समझना।
बोलता है व्हाट डज सबलाइम डिसकंटेंट ओरिजिनेट, डिसकंटेंट ओरिजिनेट की बात कर रहा है ना। देखें पढ़ के इसको फिर से, सबलाइम डिसकंटेंट यहाँ मिला हमें। अब देखते क्या है, द मैग्निफिशेंट आइडियाज दैट हैव एवर हॉन्टेड द ह्यूमन माइंड एंड गिव अस आवर हाइस्ट प्रूफ ऑफ फ्यूचर इमोर्टेलिटी बाई रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ देयर फुलफिलमेंट हियर आर स्प्लिंटर्ड इनटू एटम्स बाय कॉन्टेक्ट विद लैप्स रियलिटीज हेंस कम्स आवर सबलाइम कंटेंट। तो यहाँ लिख रहा है कि व्हेन डज सबलाइम डिसकंटेंट ओरिजिनेट, व्हेन द ह्यूमन माइंड इज हॉन्टेड बाय मैग्निफिशेंट आइडियाज दैट गिव अस प्रूफ ऑफ फ्यूचर इमोर्टेलिटी, व्हेन द प्रूफ ऑफ फ्यूचर इम्पॉसिबल ड्यू टू मोर्टेलिटी। तो ये यहाँ पर लग रहा है कि जो हेंस हो गया द मैग्निफिशेंट आइडियाज हॉन्ट किया ह्यूमन माइंड को, और उसके बाद हाइस्ट प्रूफ देता है कि वो फ्यूचर इमोर्टेबिलिटी है, प्रूफ देता है कि फ्यूचर इमोर्टेलिटी बाय रीजन ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ देयर फुलफिलमेंट हियर मैग्निफिशेंट स्प्लेंडर। तो यही ज़्यादा, व्हेन द ह्यूमन माइंड इज हॉन्टेड बाय मैग्निफिशेंट आइडियाज दैट गिव अस प्रूफ्स ऑफ फ्यूचर इमोर्टेलिटी दैट गिव्स अस, ये रहा इस, चलो ये देख सकते हो सकता है। आगे क्या है, द वर्ड इनड्यूबिटेबल का मतलब क्या होता है, इनड्यूबिटेबल कहाँ पढ़े थे, इनड्यूबिटेबल यहीं तो पढ़े थे अभी जस्ट, है ना, इनड्यूबिटेबल यहाँ पर पढ़े थे, कहाँ पढ़ा भाई, यहाँ पर पढ़े थे। आई हैव ऑलवेज थॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ बैकोनियन थ्योरी वॉज दैट नो मैन इनड्यूबिटेबल हिज जीनियस, नो मैन हिज इनड्यूबिटेबल, हमें हमेशा बिलीव करता हूँ उस थाउट में, आई हैव ऑलवेज थाउट दैट अस्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट अस्ट्रोंगेस्ट इन फेवर ऑफ बैकोनियन थ्योरी वॉज दैट नो मैन इनडोबिटेबल हिज जीनियस कुड ऑलवेज रिटन द, कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं भाई बहुत हार्ड है। द वर्ड इनडबिटेबल मतलब इनकॉन्सपिर डिस्पैरेजिंग अनडिनाइबल नॉन डिस्क्रिप्ट, पता नहीं चल रहा छोड़ दो भाई इसको भी। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज द हाई प्लेन ऑफ थाउट का मतलब होता है, लॉफ्टीनेस ऑफ थिंकिंग, कॉमननेस तो नहीं होगा, हाई प्लेन का मतलब ऊंचाई पे ना, द कंपेनियनशिप इन थिंकिंग, ह्यूमननेस इन थिंकिंग, द लॉफ्टीनेस ऑफ थिंकिंग, ह्यूमननेस का मतलब ह्यूमन के आगे से पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है ना, नहीं मानेंगे भाई, नेगेटिव ले लेगा। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल दिस प्रोजेक्ट, नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना होगा, अच्छा नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट का मतलब हो गया हैव, फ्यूचर की बात हो रहा, वी शैल हैव हो जाएगा यहाँ पे, हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वी शैल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है चलो। द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, कौन पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा जी चोर, द पुलिस वर्कआउट है, द पुलिस वर्कआउट द थीव्स, अब द पुलिस की बात करता है लोगों, पुलिस ने पकड़ा ना, द पुलिस वर्क आउट द पुलिस थीव, वर्क इस्तेमाल किया गया है तो वर्क आउट द पुलिस वर्क आउट द थीव, जब वर्क आउट का मतलब हो गया कि पास्ट में बता रहा है तो पास्ट के तो हमको यही सही है बेस्ट होगा, तो पुलिस काउट द थीव्स हो सकता है। लेबरिंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट सिंप्लिसिटी मेज और ईज, स्ट्रेट का मतलब सीधा साधा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेज मेरे हिसाब से। From this finding, we can dash that the rate of crime is increasing in the city. From this finding, in sabhi findings se, we can presume from this finding, in sabhi findings se, hum ye infer kar sakte hain ki that the rate of crime is increasing in the city. Yani ki वी कैन प्रेज्यूम नहीं होगा, वी कैन इन्फर हो सकता है, समराइज भी हो सकता है, वी कैन समराइज, इस सभी फाइंडिंग से जो हमें मिला है जो भी डाटा, इससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि रेट ऑफ क्राइम जो है ना बढ़ा है, इन्फर कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं जो कुछ फाइंडिंग है, तो समराइज हो सकता है कि हाँ ये सही लग रहा है। स्टेन के लिए दाग होता है ना, एंडोनिम क्या कर, स्टेन हो जाना, वो कपड़ों में बोलते हैं ना कपड़ा स्टेन कर दिया, परफेक्ट होना, डैमेज करना, क्लीन करना, डिसकलर करना, डिसकलर का मतलब साफ धूल जाना, डैमेज करना, स्टेन का होगा डैमेज करना, एंटोनिम पूछा है ना, एंटोनिम स्टेन दाग लगना, क्लीन हो जाना चाहिए शायद यहाँ से। अब आता है रेबेलियस, रेबल होता है REBELLION, रेबेलियस ही हो जाएगा, ठीक है। बी इन द रेड का मतलब होता है बी इन द रेड, रंगे हाथ पकड़ा जाना, तो टू ओ मनी टू बैंक, द टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, टू बी इन डेंजर ऑफ बींग काउट, चलो। अप होल्डिंग इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, अप होल्डिंग इक्वालिटी,
एगलेटेरियन का मतलब होता सभी के लिए बराबर, टोटलिटेरियन का मतलब तो नहीं पता, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो गया, ऑक्टाजेनेरियन जो 80 साल से प्लस, अपहोल्डिंग इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, एगलेटेरियन सोसाइटी बोलते हैं ना कि समाज में सभी लोग बराबर, कम्युनलिज्म एक तरह से कह सकते हैं। लेट्स लुक एट आवर एरियाज ऑफ वीकनेस बिफोर वी पॉइंट फिंगर एट अदर्स। तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन बी गिवन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एरियाज ऑफ वीकनेस का मतलब क्या था, डिस्क्रिप्शन। लेट्स लुक एट आवर इनएडिक्वेंसीज बिफोर वी पॉइंट आता है, दूसरे की खामियां निकालने से पहले अपने तरफ देख लो क्या हो सब कुछ होगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, सी टुक द लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस बिकॉज इट वॉज लॉस्ट कॉज। क्या बोला, सी टुक द लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, एक लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस का मतलब किसी चीज को बाधा को रोकना। सी टुक द लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस बिकॉज इट वॉज ए लॉस्ट कॉज, टू सपोर्ट होल हार्टेडली विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स, टू सरेंडर द ऑब्जेक्ट एंड गेन एडमिशन इन टू द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज इजिएस्ट टू टेक। चलो इसको ही मारते हैं क्योंकि बड़ा ही है। सी टुक द लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। इफ आई डैश टू लीव द, इफ आई हैव टू लीव द स्टेट एट दिस एज, आई प्रोबेबली गो टू हिमाचल प्रदेश। इफ आई हैव टू लीव द, इफ आई हैड, इफ आई हैड होगा, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, इफ आई हैड, इफ आई है, ठीक है, अगर मैं इससे इस स्टेट पे छोड़ता हूँ तो आई प्रोबेबली यानी कि अनुमान हो सकता है कि मैं हिमाचल प्रदेश जाऊँगा, इफ आई हैड होगा। इफ आई हैड हैड टू चेंज स्टेट एट दिस एज, अगर मैं अभी इस चेंज करूँगा तो आई वुड प्रोबेबली, तो आई हैड होगा, अगर हैड लग रहा है तो ये बी ए और सी और डी में कन्फ्यूजन। और इफ़ आई हैड टू चेंज स्टेट एट दिस एज, इफ़ आई हैड हैड टू चेंज, तो हैड का इस्तेमाल तो हो गया, उसके बाद हैड का इस्तेमाल किए हैं किसके लिए, टू चेंज दिस ना, यही सही। चलो इसको देखते हैं, पता नहीं चला दोनों में। एज द सी ई ओ ऑफ योर ओन लाइफ इन द नॉलेज एरा, यू नीड अ लेजर लाइक फोकस ऑन योर विजन, ठीक है। एक तुम सी ई ओ हो अपने लाइफ का, तो अपने नॉलेज एरा का, तो हमें एक लेजर लाइक फोकस चाहिए अपने विजन पे। मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन स्टेटमेंट, मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट, यू डेफिनेटली नीड अ न्यू मिशन। इसका मतलब मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट का मतलब क्या है, किसके पास, किसी के पास ना भी होते हैं, तो मोस्ट सक्सेसफुल जो कंपनियाँ होती हैं, जो ज़्यादातर जो सक्सेसफुल कंपनियाँ होती हैं उसके पास, या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके पास स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट होता है, और लेकिन ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसके पास नहीं होता है। तो कंपनी और, तो बी और सी के बाद आंसर आ सकता है, बी और सी साथ में आ सकते हैं, तो बी और सी हमेशा साथ में आ रहा है। अब देखते हैं, एज अ सी ई ओ ऑफ योर ओन लाइफ इन द नॉलेज, ए के बाद डी आ सकता है कि हमें ये ज़्यादा सही लग रहा है, ए डी सी वाला, क्या कि यू डेफिनेटली नीड अ मिशन, तुम्हें पक्के तुम्हें एक पक्का मिशन की ज़रूरत है। एज अ सी ई ओ अपने लाइफ का, तुम सी ई ओ अपने नॉलेज एरिया का जो है, तो यू नीड अ लेजर लाइक फोकस ऑन विजन, यू डेफिनेटली नीड अ रीजन, यू डेफिनेटली नीड अ रीजन मिशन एज अ सी ई ओ ऑफ योर ओन लाइफ। तो डी से स्टार्ट हो सकता है क्या, डी से स्टार्ट तो हो सकता है, बट फिर डी के बाद यू डेफिनेटली नीड अ मिशन, यू डेफिनेटली नीड अ मिशन, क्यों भाई, क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन स्टेटमेंट, जबकि मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल डोंट। तो एज अ सी ई ओ ऑफ योर ओन लाइफ इन नॉलेज एंड यू लाइक अ मिशन, यू नीड अ लेजर लाइक फोकस ऑन योर विजन, ठीक है। तो डी बी सी ए भी दे सकते हैं, हटाओ पहले। डिजिटल न्यूट्रिशन लाइकेंस मीडिया डाइट्स टू व्हाट्स ऑन प्लैनेट रादर देन काउंटिंग कैलोरीज, तो डी तो लास्ट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अ साइकोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज इन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल न्यूट्रिशन, ये हो गया एक साइकोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज है किसमें, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल न्यूट्रिशन, या इन द कॉन्सेप्ट व्हाट्स ऑन आवर प्लेट्स रादर देन काउंटिंग कैलोरी। तो एक साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो स्पेशलिस्ट होता है किसमें भाई, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल न्यूट्रिशन लाइक द मीडिया डाइट्स टू व्हाट्स ऑन आवर प्लेट रादर देन काउंटिंग कैलोरीज और स्किन टाइम, थिंक अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट्स ऑन योर प्लेट नहीं होता है। डी के बाद ए वाला आएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्या बोलता है, करेक्ट द मिस स्पेल्ड बताना है ना, जहाँ पे सभी के सभी सही है। रिसेम्बलेंस, देखो रिसेम्बलेंस यहाँ पे सही है, चिल्ड्रन यहाँ पे गलत हो गया, चिल्ड्रन बोथ चिल्ड्रन बियर अ वेरी क्लोज रिसेम्बलेंस टू दियर फादर, ये फादर यहाँ गलती हो गया, रिसेम्बलेंस टू दियर फादर बोथ चिल्ड्रन बियर रिसेम्बलेंस, ये सही हो जाएगा। हाँ, द ट्रीटी ऑफ लंदन साइन इन 1839
द ट्रीटी ऑफ लंदन साइन इन 1839 इन 1839 द ट्रीटी ऑफ लंदन साइन इन 1839 वाज एन एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन बिटवीन द मेजर तो पी के बाद क्यू ही आना चाहिए, ठीक है, दो आ गया, बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप आफ्टर सी ब्रोक अवे फ्रॉम द आफ्टर सी ब्रोक अवे फ्रॉम द ग्रांटिंग बेल्जियम्स न्यूट्रलिटी यूरोप ग्रांटिंग बेल्जियम्स न्यूट्रलिटी एंड सोवरेनिटी आफ्टर सी ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम नहीं After she broke away from the granting Belgium's neutrality and sovereignty, United Kingdom of the Netherlands. The Treaty of London साइन हुआ 1839 में, जिसमें कि एक एग्रीमेंट था जहाँ पे ब्रोकर बाई ग्रेट ब्रिटेन बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप, ठीक, आफ्टर सी ब्रोक अवे, कौन सा ब्रोक हुआ, तो पी क्यू आर सी इसका आंसर सेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. If you want to smoke, you have to go up to upstairs, said the landlord. लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम्हें अगर स्मोक करना तो ऊपर चले जाओ, तो पास में जाएगा तो लैंडलॉर्ड टोल्ड होगा कि सेड होगा, सेड टू होता था टोल्ड होता था गलत हो गया. तो लैंडलॉर्ड सेड दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर, यू विल हैव, तो बिल का आउट हो जाएगा, ठीक है. द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, डायरेक्ट स्पीच बताना है. द हर्मिट कर्स दैट कि दे ऑल, हर्मिट का मतलब क्या होता है, जो अकेला में रहने वाला होता है वो कर्स होता है जो कि एक जहन्नम की तरह होता है. दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, अच्छा, हर्मिट का मतलब जो अकेला में रहना पसंद करता है, कर्स का मतलब पाप होना. तो हर्मिट सेड, हर्मिट क्या कहते हैं, द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, तो माइट होगा तो मेद का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है. अब आते हैं, चलो अब क्या क्वेश्चन है, चलो. ऑक्टोपस आर फेमस फॉर दियर एलियन लाइक एबिलिटीज फ्रॉम रीग्रोइंग डैमेज आर्म्स टू चेंजिंग दियर स्किन कलर एंड टेक्सचर. They use this color shifting power to camouflage and interestingly as a strange visual language to talk to other octopus. A little known fact that actually belong to category of animals phylum called mollusca, which is largely made up of snails. Yep, octopus are like soup up snails who lost their shells and grew a rather large brain. The greatest thing about them is their intelligence, which evolved completely independent from our own. Let's consider their nervous system. Like us, octopus have large brains compared to their body size, easily the biggest of the invertebrate animal without a backbone, and a comparable size to many vertebrates such as frogs. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, It is however hard to compare brain size between marine animals and land animals because the laws of physics differ in water and air. Animals are weightless in water, but on land, body shape size limited by gravity. An octopus brain is made up of 500 billion brain cells, a neuron. This is 7 times more than a mouse and about the same as a marmoset monkey. Humans on the other hand have 86 billion brain cell. Testing octopus intelligence can be a problem because the animals frequently outsmart scientists. Example, scientists can struggle to get an octopus to solve a maze because they often climb out and crawl over the top to reach their food reward. And that's assuming that they have not already escaped from the aquarium home and are crawling around the life. Unlike as though, octopus do not live for very long. The giant Pacific octopus might live for up to 5 years, but most live for just a year and some as a little as 6 months. They hatch from eggs fully formed and ready to go. They never see their parents and have to learn everything on their own. Identify the correct statement from the vegan. The octopus belong to category of animals called mollusca. ये बात सही कहा, ठीक है. It is hard to compare brain size between marine animals and land animals. It is hard to compare, यहाँ लिखा था. It is hard to compare brain size between marine and land animals. हाँ, ठीक है. Vertebrate are animals which without नहीं, invertebrate होता था, 1 and 2 only सही है. क्या पूछा, सही ने पूछा था statement, हाँ, चलो. फिर यहाँ पूछ रहा है कि what is the synonym of the word strange as used in passage. Strange का मतलब peculiar. वर्ड स्ट्रेंज का मतलब होता बहुत अजीब सा, है ना, पेक्यूलर होना, शायद वही हो. चलो, व्हाट कैन बी अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर द गिवन पैसेज. ऑक्टोपस हैव बींग्स नहीं, ऑक्टोपस चेंज नहीं, ऑक्टोपस आर लाइक ह्यूमन इन मेनी वेज, ऑक्टोपस डिड नॉट नहीं, तो ऑक्टोपस आर लाइक ह्यूमन इन मेनी वेज. ऑक्टोपस चेंज द बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से क्या अप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकलता है. ऑक्टोपस हैव बिग ब्रेन्स एंड आर क्रेजी स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, बड़ा ब्रेन होते हैं. ये कन्फ्यूजन निकल पा रहा है क्या कि स्मार्ट होते हैं कौन, ये
ब्रेन बड़ा होता है। ऑक्टोपस आर अलाइक ह्यूमन इन मेनी वेज, ह्यूमन से ज़्यादातर देखने को मिलता है क्या? नहीं, तो ये ही ज़्यादा सेटेबल लग रहा है। आगे चलें, वाई टेस्टिंग ऑक्टोपस इंटेलिजेंस कैन बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे कैन आउटस्मार्ट साइंटिस्ट, नहीं बिकॉज दे हैव लार्ज ब्रेन, ये सही हो जाएगा। अरे ये सही है पहला, माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस, माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस, तो वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इज प्लेइंग है तो बींग का इस्तेमाल होना ही चाहिए, तो अब इज बींग होगा, तो चेस इज बींग प्लेड बाई माई सिस्टर, चेस इज बींग प्लेड बाई माई सिस्टर, ठीक है। माई मदर हैज़ इन्वाइटेड हर, पैसिव में है तो माई मदर हैज़ इन्वाइटेड हर, हैज़ लगा दिया है यानी प्रजेंट भी लगा दिया, इज के बाद में क्या लगाया है, इज है, प्लस में क्या लगाया, प्लस में वी थ्री, तो यानी बीस, अब इसमें तो कुतो तो इज के साथ में तो हैज़ के साथ अब बीन का इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर भी जाएगा तो हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई, मतलब सी हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई मदर, ठीक है, इन्वाइटेड बाई मदर है ना। हाँ, चाउस का मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ होना, टर्मोइल होना, सिस्टम नहीं होगा, चलो ठीक है आगे चलें। आगे क्या है कि वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर हैज़ डाइड फ्रॉम कैंसर, तो फ्रॉम से होता है, डाई बाई कैंसर है, डाई ऑफ कैंसर होता है ना, तो फ्रॉम का मतलब खाने पीने से होता है, एक होता है ऑफ का इस्तेमाल, विथ का इस्तेमाल, फॉर है ना, ऐसे कुछ तो होता था ना, तो कैंसर से मर गया, डाई बाई डाई ऑफ कैंसर, डाई विथ कैंसर, कैंसर के साथ मर गया, नहीं डाई ऑफ कैंसर। पार्किनसियम या ग्रुप ऑफ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड बाई द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डीडेंजरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द एरिया ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। पार्किनसम या पार्किनसम वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब 1817 बाई ब्रिटिश फिजिशियन जेम्स पार्किनसन इन हिज एसे ऑफ सेकंड पैल्सी। वेरियस टाइप्स ऑफ द डिसऑर्डर आर रिकग्नाइज बट द डिजीज डिस्क्राइब पार्किनसन कॉल्ड पार्किनसन डिजीज मोस्ट कॉमन फॉर्म है। पार्किनसन डिजीज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी पार्किनसन, पैरालिसिस एजिटेंस और एडियोपेटिक पार्किनसन, मीनिंग द डिजीज हैज़ नो आइडेंटिफाइबल काउज। दिस डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेकेंडरी पार्किनिज्म, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर वेरी सिमिलर इन नेचर टू पार्किनसन डिजीज बट दैट अराइज फ्रॉम अननोन आइडेंटिफाइबल काउजेज। द ऑनसेट ऑफ पार्किनसन डिजीज टिपिकली अकर बिटवीन द एज ऑफ 60 to 70। इट कैन बिफोर द एज ऑफ 40, इट इज रियली इनहेरिटेड। पार्किनसन डिजीज ऑफन बिगन्स विद अ स्लाइट ट्रेमर ऑफ द थंब एंड फोर फिंगर, सिम्पटम कॉल्ड पिल रोलिंग एंड स्लोली प्रोग्रेस ओवर 10 to 20 ईयर्स रिजल्टिंग इन द पैरालिसिस एंड इतना। ऑल टाइप्स ऑफ पार्किनसन आर कैरेक्टराइज्ड फोर मेन साइंस, ट्रीमर ऑफ रेस्टिंग मसल्स पर्टिकुलरली ऑफ द हैंड, मस्कुलर रिजिडिटी आर्म्स एंड नेक, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट एंड पोस्चर इनस्टेबिलिटी और वैरायटी ऑफ अदर फीचर्स। ए वैरायटी ऑफ अदर फीचर्स में कंबाइन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और स्पीकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, सफ्टिंग डाइट और डिप्रेसिंग एंड डिमेंशिया। पार्किनसन रिजल्ट्स फ्रॉम द डिटेरियरेट ऑफ न्यूरॉन्स इन द रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सब्सटेंशिया निग्रा। दिस न्यूरॉन नॉर्मली प्रोड्यूस द न्यूट्रो ट्रांसमिटर डोपामाइन विच सेंड्स सिग्नल टू द बेसल्स गैंग्लिया, अ मास ऑफ नर्व फाइबर्स दैट हेल्प्स टू इनिशिएट एंड कंट्रोल पैटर्न्स मूवमेंट। डोपामाइन फंक्शन इज द ब्रेन एज इनहैबिटर ऑफ नर्वस इंपल्स एंड इज इन्वॉल्व सप्रेसिंग एंड द अनइंटेंडेड मूवमेंट। व्हेन डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉय, डोपामाइन लेवल्स ड्रॉप एंड द नॉर्मल साइज नॉर्मल सिग्नलिंग सिस्टम डिसरप्टेड। इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्किनसन द साइलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस डिटेरियरेट डू नॉट मैनिफेस्ट अंटिल रफली 60 to 80% न्यूरॉन्स आर डिस्ट्रॉय, सो इट रिक्वायर केयरफुल सुपरविजन। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट आंसर बाय द गिवन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्किनसन डिजीज, व्हाट इज द रोल ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, व्हाट ट्रीटमेंट इज नीड टू बी फॉलो बाय इतना, हाउ पार्किनसन डिजीज गॉट इट्स नेम, तो क्या नहीं दे सकते, तो पार्किनसन का नाम कैसे पता चला है, पार्किनसन का नाम कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा बट जिसका बाई तना ये तो नहीं पता चल रहा। व्हाट आर द टाइप्स, टाइप्स के बारे में तो बता दिया कि हाथ पैर कहाँ पे होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। रोल ऑफ डोपामिन बता दिया कि क्या करता है, डोपामिन का काम क्या होता है यहाँ बताया, अभी डोपामिन का काम क्या बताया वहाँ पे बता दिया है। विच ट्रीटमेंट इज नीड, कौन सा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है पार्किनसन डिजीज में, तो यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ लिखा था कि हमें कौन सी क्या ट्रीटमेंट की बात करें ना, विच ऑफ ट्रीटमेंट बोला ना, ट्रीटमेंट ऑल टाइप्स हो गया, मेन हो गया और इसके पार्किनसन डिजीज हो गया, और कैसे पता चला यहाँ पर कि कैसे इसको सही करना है, और इसका नाम कैसे पता चला पार्किनसन के नाम होता है, हाउ पार्किनसन डिजीज नेम गॉट इन, तो ये वाला हो सकता है, ट्रीटमेंट के बारे में तो नहीं कहा, चलो इसका देखते हैं। ये बोलता है कि एज पर गिवन व्हाट डज द ऑनसेट ऑफ पार्किनसन डिजीज अकर बिटवीन द एज ऑफ 60 to 70, नहीं 70 to 80 बोला था ना, 60 to 70 में टिपिकली अकर्स बिटवीन एज ऑफ 60 and 70 और कभी कभी बिफोर 40 भी हो जाता है, बिफोर द एज दोनों सही है,
पार्किंसन डिजीज कब होते हैं, एज ऑफ 60-70 और इतना। आइडेंटिफाई द वर्ड सिनोनिम, डी जनरेट का मतलब फिर से बन जाना, डी जनरेट एज पर द कॉन्टेक्स्ट, डी जनरेट मतलब फिर से बढ़ जाना। दे बेस, दे बस मॉरल का तो नहीं होगा, नैतिक, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पीछे देखना, डी जनरेट होना फिर से बढ़ जाना, इम्प्रूव होगा तो नहीं, डी जनरेट का मतलब होता फिर से बन जाना। अब डी जनरेट कहाँ लिखा हुआ था, कहीं तो पढ़ता है डी जनरेट, अब कहाँ देखो पढ़ना पड़ेगा डी जनरेट कहाँ लिखा हुआ है, डी जनरेट ना देखते कहाँ पर लिखा हुआ है डी जनरेट, डी जनरेट अब देखना पड़ेगा कहाँ देखे हैं कहाँ लिखा है, इतना डी जनरेट, डी जनरेट डिटेट हो गया, नहीं नहीं है गलिया फाइबर स्पेक्ट्रम मोमेंट, डी जनरेट कहीं तो लिखा नहीं अब तक है, डिस्ट्रॉय डैमेज लेवल प्रकेंशन डिटेट हो गया, नहीं तो ऊपर में होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं न्यू करेक्टराइज नहीं, डी जनरेशन ऑफ द, तो बोलता है द पार्किंसन इज ग्रुप क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द डीजनरेटिव ऑफ न्यूरॉन्स, डीजनरेट हो जाता है कहाँ से, तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द एरिया ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, क्यों लॉस ऑफ मोटर फंक्शन क्यों लॉस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन की होना तो इम्प्रूव हो जाना, डीजनरेट ना, चलो ये हो सकता है। अगला क्या है कि वॉच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट नॉट ट्रू एज पर द गिवन, डोपामाइन फंक्शन द ब्रेन एग्जिबिट ऑन नर्व इंपल्स, डोपामाइन का काम डोपामाइन लेवल ड्रॉप एंड नॉर्मल से ना, डोपामाइन फंक्शन द ब्रेन इनहिबिट ऑन नर्व इंपल्स एंड दिस इन्वॉल्व सप्रेसिंग द नर्व, तो डोपामाइन फंक्शन सही है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट सिम्पटम ऑफ द डिजीज, और पार्किंसन डिजीज फ्रॉम द डी जनरेशन न्यूरॉन इन द एरिया ऑफ ब्रेन, हाँ ठीक है, और पार्किंसन डिजीज कैन बी डिवाइड इनटू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पार्किंसन, तो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ ये भी हो रहा है, तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग स्पीकिंग वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ये तो था कि डिफिकल्टी तो था यहाँ पे, यहाँ पे लिखा भी था ना, कहाँ से, यहाँ से तो बताया था, देखो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग स्पीकिंग लॉस ऑफ बैलेंस ये तो है ही, वेराइटी ऑफ द फीचर में कंबाइन दिस कैरेक्टर्स इंक्लूड लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कैरेक्टर्स बाय फोर मैन साइंस हो गए, इसके क्या है डिफिकल्टी इन कौन सा इसमें सही नहीं है, डोपामिन फंक्शन इन द ब्रेन, एज अ डोपामिन, डोपामिन फंक्शन इन द ब्रेन एज इनहिबिटर ऑफ नर्व इंपल्स एंड इज इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग अनइंटेंडेड मूवमेंट, ठीक है, पार्किंसन रिजल्ट्स फ्रॉम द डीजनरेटेड न्यूरॉन, पार्किंसन रिजल्ट्स फ्रॉम पार्किंसन ग्रुप मोटर फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम पार्किंसन रिजल्ट फ्रॉम डीजनरेशन न्यूरॉन इन द एरिया ऑफ ब्रेन, कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो पार्किंसन इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी एंड इतना, वो तो कौन सा ट्रू नहीं है, डोपामिन फंक्शन तो कर ही रहा है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड स्पीकिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ये भी बात तो सही चाह रहा था, पार्किंसन रिजल्ट्स फ्रॉम द डीजनरेट ऑफ न्यूरॉन के रिजल्ट्स तो नहीं भाई, तो वो लॉस ऑफ यहाँ पर ये हो सकता है गलत हो, चलो विच व्हाट इज द टोन क्या है, एनालिटिकली होगा पूरा एनालिसिस किया हुआ ना पूरा है, यानी एनालिसिस कर रहा है ना कि क्या काम करता है, कॉशनरी का मतलब काउज करना, कॉशनरी का मतलब होता कुछ काउज के बारे में, कॉशनरी नहीं पता चल रहा है ना, I took the road that dashed to the right and the gentle embankment became a stiff climb. भाई पता नहीं चलेगा. And become a stiff climb. I dash feel the muscles in my lower back protest. I could feel the muscles in my lower back protest. मैं पूछे अपने एहसास कर रहा हूँ. शूट तो नहीं होना का. आई शैल नहीं होगा. द गेम लेग ड्रैग्ड सडनली द हिल डीप इंटू द अट अनदर वैली फ्रॉम पैडी फील्ड
अचानक से हील क्या हुआ, सडनली द हील डिप्ड इनटू इट, जो हील है ना डिप्ट हो गया अनदर वैली के साथ में, फ्रॉम फॉर पैडीफील्ड सडनली द हील डिप इनटू इट अनदर वैली इन पैडीफील्ड आई न्यू रिलीफ। तो इन यहाँ पर होता आई सडन द हील डिप इनटू इट अनदर वैली ऑफ पैडी अनदर वैली ऑफ पैडीफील्ड हो सकता है। आई न्यू रिलीफ एंड ट्रम्प्स एज आई वॉक डाउन हिल लर्निंग टू नॉट पुट माई वेट टू माई नीज। आई हैड क्लाइम वन हिल विदाउट माई बैक गिविंग वे द नेक्स्ट डे आई डा इंक्रीज द डैश आई द नेक्स्ट डे आई इंक्रीज द डिस्टेंस। तो पास्ट में कहते लोग हु एंटर दीवान अ कोही की बात करती है, अलाउद्दीन खिलजी कौन का हु एंटर द पोस्ट ऑफ दीवान कौन दीवान ए अमीर कोही। चलो विच लैंड डिमार्केट इंडिया और पाकिस्तान अकबर बटा सी रुपया नहीं 13 साल का था जब वो राजा बना। हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचर्ड हैडली मेडल इतना जचिंद्र रविंद्र ना कि मैट हेनरी था छोड़ देते हैं। भारतनाट्यम एक्सप्रेस साउथ इंडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट कैन बी इशू बाई पार्टी हटाओ। मोपला विद्रोह 1921-1922 फेमस अरबिका स्कॉलर अल बिरूनी कम टू कॉन्फ विद इंडिया थ्रू द मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री होस्ट फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक 2010 सेनेगल लगरा के मारेंगे ना। द साल कॉन्सेंट्रेशन इज द हु हैड बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडियन इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम दियाना ओडेल जी। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट होता ना विच ऑफ द कैरेक्टर रिलीज ऑफ हीट। अकॉर्डिंग टू अशोकन एडिक्स हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकम द किंग डिड अशोका वॉर कितने साल बाद अशोक कब 271 में क्या हुआ राजा बना क्या हुआ। तो अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्स हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द किंग 271 में राजा बना था वो और 271 में राजा बना और उसके ठीक 8 या 9 साल बाद फिर से वो लड़ाई किया था 8 या 9 साल के बाद लड़ा था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोबल अथराज बाय द इंडियन ओरिजिन चेतना मारू सोटलाइज किया गया इसके लिए द वेस्टर्न लैंड गॉड ऑफ चेतन मारू ना वेस्टर्न लैंड था इसका सही आंसर। विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम 10 मिलियन हाउस प्रधानमंत्री जनधन सूर्योदय योजना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉन मेटल विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर विद बाउंड्री विद इतना ठीक है महाराष्ट्र के साथ में करेगा नहीं करेगा यूपी के साथ करेगा गुजरात और हरियाणा के साथ करेगा। आगे चलो अंबुबाची असम के अंदर होगा। हाउ मेनी टाइप्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है 2 बार क्रिएट हो गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र व सत्य शोधक समाज फाउंडेड कहाँ है तो नागपुर में हुआ था संस्थापक ना नागपुर के पुणे अभी दिक्कत है। चलो देखते हैं हु अकॉर्ड द महात्मा टू एम के गांधी किसने महात्मा गांधी सर रविंद्र टैगोर ने दिया था ना महात्मा गांधी के। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद आर्टिकल दस गिव इंडियन इलेक्शन कमीशन पावर्स फॉर इलेक्शन तो आर्टिकल 324। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय डिफेंस डी रिकेट्स विच ऑफ द कॉज बाय पैरासाइट पैरासाइट के द्वारा कौन सा बीमारी होता है पैरासाइट का मतलब हमारे अंदर बैठेगा क्या ना मलेरिया तो नहीं होगा गोइटर तो नहीं होगा निमोनिया शायद हो जाए होगी आप। चलो कंप्यूटर को नहीं मारने वाले सेठ भाई कंप्यूटर जब मार देते हैं तो कंप्यूटर पर नंबर जोड़ देता है इसलिए उसको दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमारा स्कोर हुआ मात्र 284 ही हो पाया है इसका और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हमने गलती कर दिया 19 क्वेश्चन गलती हो गए हैं यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन लगभग मेरा गलती कहाँ हो गया इंग्लिश और जेके मिला के एक्यूरेसी मात्र 84% रहा है। हमने 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है जिसमें कि 3 क्वेश्चन हमने कहाँ छोड़ा 10 क्वेश्चन हमने छोड़ा 3 क्वेश्चन जीके में छोड़ा 7 क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ा कहाँ मैं इंग्लिश और इसमें अच्छा 120 है ना हाँ 30 क्वेश्चन स्किप किया हाँ 10 क्वेश्चन इसमें छोड़े तो 284 मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। अभी कंप्यूटर के अगर हम कंप्यूटर देते हैं तो उसमें कंफर्म है कि 20 से 30 नंबर बढ़ता तो फालतू होता कोई नंबर का फ़ायदा नहीं तो 284 मेरा यहाँ पर एक्यूरेसी रहा।
अब देखते हैं कि आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए अगर आपने ये मॉक दिया है। तो आशा करता हूँ आप, और ये अगर मान के चलिए 284 नंबर कैसा है, अच्छा नंबर है ख़राब नंबर है, तो ये नंबर मॉडरेट ही है और ये ज़्यादा ठीक है। बस कितना है कट ऑफ के लिए क्वालिफाई होगा, लेकिन मनचाहा पोस्ट हमें नहीं मिल सकता अगर इतना नंबर आएगा कभी मेंस में, तो मनचाहा पोस्ट तो नहीं मिलने वाला है। मनचाहा पोस्ट हमको 310 या 320 तक तो लाना ही पड़ेगा जो मनचाहा पोस्ट हमें मिल जाए आसानी से, है ना। और क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेवल इसका जो था थोड़ा ईजी से थोड़ा सा हल्का सा, ईजी से थोड़ा हार्ड और मॉडरेट की तरफ चल रहा था, थोड़ा सा चल रहा था मॉडरेट की तरफ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो बनने लायक थे, कोई दिक्कत तो नहीं था। जीके भी इसका आज क्वेश्चन आसान थे, जीके भी उतना हार्ड नहीं था, हाँ लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट ही कहा जाएगा इसको, तो भाई जीके के चलते यहाँ मॉडरेट टेबल बन रहा है। और उसमें कुछ तो है नहीं, 19 क्वेश्चन हमने गलती किया, देखना पड़ेगा भाई कौन सा 19 क्वेश्चन गलती हुआ है। तो यही रहा हमारा मार्क्स, तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।